आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद शहज़ाद और आप देख रहे हैं सूफ़ी स्किल्स। हमारे साथ हैं इस वक्त शाह साहब और रोल नंबर सिक्स से रोल नंबर सेवन सिक्स से 16 तक जो हैं वो हमारे साथ हैं सूफ़ी स्किल्स के जो मेम्बर्स हैं। और बाकी ये कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले शाह साहब मेन स्ट्रीम जो है वह अहले बैत टीवी पे भी थे, अभी सूफी स्किल है, इसके बाद जो है ट्रायल्स भी आज होना है और उसके बाद फिर एट्रीब्यूट्स भी होना है। तो आज आज का दिन जो है ना वो प्रॉपर बिजी 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 तो रोज ही होते हैं शाह साहब, लेकिन ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा बिजी आज काफ़ी हैं। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जो है मैंने असद के फार्मूले पे अमल किया कि ऐसे ही जाने दो। सही क्यों ऐसे एक अब समझ में आया क्या? चलो क्या समझ में आया अब जी क्या? अरे कहा आज ऐसे ही जाने दो जैसे हद हो गई है। ठीक है ना? मैंने कहा अच्छा मुझे आते साथ ही जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं कोई डोर नॉक हुआ है? डोर नॉक हुआ, डोर वो नॉक नहीं हुआ है, वो चक्कर ये कि ये असद की कारस्तानी है तो इसको सीधा भी करना पड़ेगा। ठीक है, कर लो मैं कर लूँ सीधा। और देने वाली सरकार ब्रिंग इट ऑन। अच्छा वो जो है बाकी ये कि इस वक्त जो आप स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं आज़म भाई जो है ये वजीफ़ा कर रहे हैं मोटरसाइकिल चलाते वक्त। ठीक है ना, इनको अभी पढ़ाई दी है और इसका रिजल्ट अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। अब अल्लाह ही खैर करे कोई और हादसा ही ना हो जाए। भाईजान कैमरा बंद कर दो और अपने आप को लॉग आउट कर लो और जब वहाँ पहुँच जाओ ना मंजिल मकसूद पे फिर लॉग इन हो जाना साइड पे रोक के, कि ये ना हो कोई और डिजास्टर स्ट्राइक कर लो। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम चंदा। आप आज़म भाई को बोलो थोड़ा सा लॉग ऑफ कर जाएं रोक के। आज़म भाई, और आज़म भाई ने वैसे भी मुझे टिकट ऑफर की है, कह रहा है मैं टिकट दे रहा हूं वहां आ जाओ भोपाल। और मोबाइल साइड पे रख दें, घर पहुंच के आप मोबाइल उठा लीजिएगा। मैं पहुंच जाऊंगा, मेरा नंबर लगे तक है। ठीक है ठीक है, हम वेट कर लेंगे, आपको मैसेज कर दूंगा, वेट कर लेंगे, मैं आपका मैसेज कर दूंगा। ठीक है चाची, सबसे पहले है रोल नंबर 7 से आज स्टार्ट है। रोल नंबर 7 पे है सबका आना वाली बात, सबका आना पकड़ लो खाली ऐसे सलाम तो दबा, तुम दोनों पर डाल के बैठो। और इनको बोलो कि लॉग ऑफ हो जाए ना, फिर वरना शोर आता रहेगा। म्यूट कर दिया आज़म भाई जी, म्यूट कर दिया चाची। सबका आना वाली बाजी डेविल, क्या हाल है? वो चैट चल पड़ी है फॉर अ चेंज, गुड जी। बोले अस्सलाम वालेकुम। वा सलाम जी। 98 डेज हो गया मेरे बिस्ते के। ठीक है, 98 डेज टोटल हो गए। ठीक है ठीक है, पहले एक काम कर ले, बिस्मिल्लाह रहीम 1000 दफ़ा 12 दिन के लिए था, 98 डेज हो गए। और 12,500 या लतीफ़ो 10 डेज का तो 2 दिन बाकी है, तो 10 वज़ाइफ पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही है ना? और शाह साहब 99 डेज मेरे या लतीफ़ो के आ जाएंगे। क्या कह रहे हैं शाह जी? वो 98 डेज तो मेरे बिस्मिल्लाह का और विद्या मबीन के हैं, और आज ही का ना इसम के मेरे 99। एक मिनट होल्ड कर लें बाजी, में जो आपका व्यू फाइंडर है ना कैमरे का, उसके सेंटर में आ जाओ, माइक को अपने हेडरूम पे ले आओ, अभी माइक को सर पे लाओ, ऊंचा करो, ऊंचा करो, बस नीचे नीचे, बस ये हेडरूम बन गया, इसको सेंटर बना लो अपना माइक को। अभी लेफ्ट हैंड थोड़ा सा और कैमरा घुमाओगे इसको, ये सेंटर नहीं भाई, अभी माइक को सेंटर में ले आओ, ये अकेले ब्रॉडकास्टिंग ऐसे करते हैं। हाँ दबाओ दबाओ और दबाओ और दबाओ और दबाओ, अब तोड़ मत देना तो चलो माइक का हाथ में लेके बैठ। और ज़्यादा करोगे तो नीचे से बेंड हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बस ये समझ लो ये सेंटर आ गया है आपके स्क्रीन का, तो अब जाके वी फाइंडर पे उसका हेडरूम भी बना लो, वो भी कैमरा बंद कर देना जूम का। जूम का कैमरा बंद होगा तो कैसे बनाऊंगा वो कैमरे का? आपका व्यू फाइंडर जो है ना, जो कैमरे के अंदर स्क्रीन है उसके ऊपर नजर आएगा, उसके ऊपर। हाँ क्योंकि एग्जैक्टली वही फ्रेम है, स्ट्रेट फ्रेम है ना,
एज इट इज। जी बाजी बोले आप, सॉरी। जी जी शाह जी, 97 डेज इसम के आ जाऊंगी गलती से। ठीक है, तो अभी अभी वजीफा जारी रखेंगे। कोई ख्वाब वगैरह, कुछ आवाजें देखा हो, कोई बुजुर्ग आ गए हो? नहीं शाह जी, ख्वाब बहुत ज्यादा आते हैं बस। ख्वाब सुना दें कोई, अगर आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है। पुलिस वगैरह तो नहीं देख रहे ना? नहीं शाह जी। फिर ठीक है, गुड डे। वजीफा आपका फर्स्ट क्लास है। शाह जी मिक्स ख्वाब आते हैं, कभी ऐसा लग रहा है अच्छे ख्वाब हैं, कभी लगता है अच्छे ख्वाब नहीं है। ठीक है, जिन जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है पहले तो वो सुना दें। सबसे अच्छा एक है वो, शाह जी मैंने देखा कि आप हैं और ना फोन नंबर मेरा है, जो मेरा अब ये जो फोन नंबर है वो लिखा हुआ है पेज के ऊपर। तो आपने कहा कुछ नंबर तो ऊपर है ये तो रहेंगे, और लाइन लगी कुछ नंबर नीचे आ गए, कोई आपने कहा ये निकल जाएंगे। तो आपने कहा कि जो नंबर मेरा नंबर है ना, इसके अंदर एक वन भी आता है ना, तो वो वन जो आ रहा था ना, वो बाबा मुझे फर्स्ट की शक्ल में नजर आ रहा था। ये फर्स्ट है, ये वन है, ये फर्स्ट है। मैंने कहा ये क्यों मुझे फर्स्ट नजर आ रहा है, बस ऐसे था। ठीक है, गुड। और दूसरी चीज ये कि जो सबसे बुरा नजर आ रहा है वो बता दें। बुरे ख्वाब तो नहीं याद है लेकिन लिखे हुए हैं जी। नहीं, आपने कहा ना कि बुरे भी हैं अच्छे भी हैं, जो सबसे बुरा नजर आ रहा है वो बता दें, जो आपको समझ में आ रहा है। जैसे पैसे छीनना, गोश्त और ये पता नहीं ऐसे। ठीक है, शोहर मिले वो नाराज है, ऐसे चीजें नजर ऐसे, यानी कि डेली रूटीन के ख्वाब मगर अच्छे नहीं है, यानी कि आपके हिसाब से। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसे छीनते हैं, पैसे रहते नहीं हैं, चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताएं, रिस्क में बेहतरी, हालात में बेहतरी, सब चीजें जी पहले की तरह है लेकिन बढ़ते फिर अपनी जगह पे आ जाता है, या फिर थोड़ा सा फिर बढ़ता है, फिर वहीं पे अपनी जगह पे आ जाता है। ये बताएं 20 दिन से घटा है ये, पिछले 20 दिन से? हाँ शायद बड़ा है, लेकिन जो मुझे मिले हैं ना वो मुझे नहीं, मेरे करके पैसे नहीं मिले, ये बताया गया कि वो एक तरह की मेरे पास अमानत है। ठीक है, और दोबारा मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि अगर ये कहा जाए कि ये जो 70 दिन गुजरने के बाद जो 71-72 यानी कि 20 दिन पहले से रिस्क आपका कम हुआ है, हाँ या नहीं? जी शाह जी, ईद पे माशाल्लाह काफी बढ़ गए थे, पैसे भी बढ़ गए, उसके बाद थोड़ा काम हुआ, थोड़ा फिर ठीक हो गया, फिर ठीक हो गया। अब भी थोड़ा सा काम इस महीने में। ठीक है, यासीन विरद मुबीन की इजाजत जो है ना, ये वो 70 डेज पूरे होने के बाद इसको जो है 170-30-40-50 तो 240 दिन की दे रहा हूँ मजीद, क्योंकि वो इजाजत जितने दिन की दो उतने दिन ही वो इफेक्टिव रह रही है, पता नहीं क्यों, अजीब ही बात है। गुड भी है, बैड भी है। 70 डेज के बाद फिर 204 दिन की, अब 70 डे के बाद 204 दिन की, 240 नहीं, 7 3 20 210 दिन की जी। ठीक है ना, 70 दिन के बाद, तो अभी 190 डेज बाकी है। या लतीफ़ों का ये है कि ये अभी 10 फेरे किए हैं, यानी कि 10 फेरे हो जाएंगे 100 दिन पे, फिर दोबारा 10 फेरे करेंगे, और उसके अलावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12 दिन का फेरा है तो 12 कंटिन्यू विद बिस्मिल्लाह, 12-12 दिन के फेरों से कंटिन्यू रखे हैं अभी फ़िलहाल, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, कल की पता नहीं परसों मुझे ऐसे लगा था कुरान पाक में ना छोटी सी लाइट नजर आई, जुगनू टाइप की। जी जी हाँ ठीक है, ये भी नॉर्मल में आता है। और मैं एक और बात बता दूं कि अमूमन जुगनू जो है ना, मेरे ख्याल से सर्दियों में नज़र आते हैं, मेरा जहाँ तक ख्याल है। जी शाह जी हाँ, लेकिन ये पढ़ने पढ़ाने वालों को पूरे साल नज़र आते रहते हैं, ऐसे जुगनू की तरह लाइट होती है बारीक सी और झलक होती है, जहाँ आपने नोटिस किया ना कि ये लाइट है, बस वहीं गायब हो गई वो। जी
ऐसे ही हुआ हाँ है। ये मुझे मैं इस गेम का पुराना खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है। जहाँ आपने नोटिस किया कोई चीज़ के कोई है, बस वो गायब हो गया, उसने बोला खुदा हाफिज़, बस ठीक है ना, इतनी ही देर का काम होता है, वही है। आपने कहा ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए हैं? जी साजी। कितने हैं? साजी गिनने नहीं, पीछे बहुत मरे हैं और मैंने उनको गिनने छोड़ दिया। नहीं, कितने हैं तकरीबन, कितने हैं? तकरीबन 9-10 के पास होंगे। 9-10 के पास है, ठीक है, गुड है। शहजाद भाई को मजा ही आ गया, असद को दे दिल में जो है ना, ऐसे ही जाने तो और याद करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही जाने दे रहा था, पर आज ऐसे ही जाने। साथी वो मेरे पास ना रैबिट भी है, खरगोश, खरगोश भी है। मेरा कभी दिल कर, हाँ, इनको कभी मेरे कहते दे दूँ, कभी कहते रहने दूँ। ना रहने दें, बस वो तारे बजा के रखें, खरगोश तारे खा लेते हैं। जानवर अच्छी चीज़ है। देखें हमारे अब्बा जो है, मैं एक बात बता दूँ, चीज़ ये है कि वो हमेशा घर के अंदर कोई ना कोई जानवर ज़रूर रखते थे। तोते रखे थे मैंने, फिर उसके बाद चकोर रखे, वो भी रखा, तीतर रखे, काला तीतर भी लेकर आए थे लोग सिंध से। हमेशा कोई ना कोई जानवर ज़रूर रहा है घर के अंदर। ये वजह होती है रूहानियत में कोई ना कोई जानवर रखने की ना। लेकिन मेरे साथ तो उल्टा ही हुआ था, मैं तोते लेकर आया तो वो अंदर घुसा हूँ तो आवाज़ आई बस कि इनको ले जा वरना हम इनको मार देंगे। मैंने कहा उसी वक्त अलत भाई को फ़ोन किया, शाम में उनको पकड़ाया, थैंक यू वेरी मच, ठीक है ना, ये चक्कर है। ठीक है बाजी, बाकी और तो वजीफे में कोई आवाज़ है, कोई बोल रहा हो आपका नाम लेके? नहीं शादी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जब स्टार्ट पहले पेड़ से आपसे बात हुई इतना अच्छी तरह मेरी, तो उसके बाद कुछ दिन बाद ना मुझे लगा शायद कि मुझे ना हनूज में ना फौज नजर आई, शायद मुझे लगा कि शायद नहीं। हाँ तो ठीक है, वो ना ये गार्डन में है तो वो किसी बच्चे के साथ खेल रही है। हाँ ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, इट्स गुड के फौज नजर आ रही है, फौज ही नजर आती है पढ़ने वाले को, क्योंकि आर्मी है ऊपर, बटालियन सिस्टम है, रेजिमेंटल है, तो ठीक है, एवरीथिंग लुक्स वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है ना जी, ठीक है, चलें ठीक है। शादे, शादे जी, तोते भी जी, जी बोले, देखिये वो भी इस तरह एक मर गया, ये भी इन बुरे ख्वाबों में तक मैंने अपने देखे ऑस्ट्रेलियन तोते एक मर गया, और कह रही ये कैसे मर गया, इसको तो मैंने बच्चे से रखा हुआ है तो ये कैसे मारी? नहीं वो अगर अगर बच्चा देखा है मरते हुए ना, कोई भी जानवर देखा है या बच्चा देखा है, अगर इंसान का बच्चा है तो उसके नाम का सदका दे दें, कोई जानने वाला है तो। और अगर बाहर से कोई पता नहीं कि जैसे कि ये तो जानवर का बच्चा है तो हो सकता है पुराना वजीफा मर गया हो जो पहले पढ़ते रहे हों कभी, क्योंकि ये क्लीन भी तो करता है ना, ये क्लीन क्लेंस करता है, क्लीन करता है आपको अंदर से, तो पुराने जितनी चीज़ें होती हैं उनको इरेडिकेट करता है, यानी कि आपकी बोतल खाली करता है, गटरी को खाली कर देता है, तो ये वो हो सकता है कि वो देखा हो, यार ये शुरू और बीच के दिनों में देखा होगा, ये नहीं अभी कुछ दिन पहले की बात है। हाँ तो फिर इसका मतलब काफ़ी टाइम लग गया है क्लीन होते होते, इसका मतलब आपने बहुत पढ़ा हुआ है, तो वो सारी चीज़ें क्लीन हो गई हैं। अब ये कि क्या कहते हैं उसे, नफ्स आपकी खाली हो गई है, योर हार्ट इज़ बेसिकली एम्प्टी नाउ, और एम्प्टी हार्ट ही भरा जा सकता है, जब वैसे अगर भरा हुआ हो यू कैन नॉट रिफिल इट, क्योंकि अच्छा लग जाएगा बाहर वो, ठीक है ना, तो एवरीथिंग एज फार एज आई कैन सी लुक्स वेरी गुड। शहजाद भाई आपने कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं शहजाद भाई तो ऐसे बैठे हुए हैं जैसे कि पता नहीं कोई, मुझे ये टीवी पे बैठो जी, बोलो। एक दो क्वेश्चन है मेरे, पूछ लो जी, पूछे पूछे जी। एक तो ये है ना कि ये प्रॉब्लम होती है, मसला आता है कि जब हमारे फ्री डेज होते हैं, पढ़ाई तो हमारी बंद हो जाती है, तो हमें खाने पीने की चीजों को भी बंद करना होता है कि वो कंटिन्यू कर सकते हैं जो मना चीजें। नहीं मना से मतलब आप लोगों को कोई चीज रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं की अभी तक, सिर्फ कुछ को रिस्ट्रिक्ट की है पिछले प्रोग्राम में, बाकी सबको रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है जी। ठीक हो गया। हाँ। और शाह जी वो मेरी बेटी ने ना स्टोन पहना हुआ है वो जर्द की, ठीक है, तो वो ना तो कुछ दिन पहले ना थोड़ा थोड़ा सा ना क्रैक हो गया टूट गया, तो वो पूछ रही थी शादी से पूछते ना कि वो मैं पहनी रखूँ या उतार। नहीं उतार दें, उतार दें, और शहजाद भाई इनका नाम एड्रेस ले लेना, जर्द हकीक दे देना यार इनको, देने वाली सरकार, ठीक है, कोई भिजवा दो इनको, देने वाली सरकार के पास होगा, है ठीक होगा, लेडीज छोटा दाना बच्चे का है तो भिजवा देंगे, ठीक है, शुक्रिया, कोई बात ही नहीं है, आप देने वाली सरकार को एड्रेस भेज दें, वो भिजवा देगा छोटा दाना ना, ठीक है ना, जर्द हकीक तले से बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उतार दे, फौरन उतार दे, फेंक दे, अलबत्ता फेंक दे,
ठीक हो गया सर। ओके बाजी, ओके खुदा जी। कद वाली बाजी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वाह सलाम। कद वाली बाजी कहाँ गायब हो गए हो? जी शाह साहब यहीं हूँ, आप कैसे हैं? गुड है, गुड है बाजी, ऑल गुड। बोले ओके। तो मुझे 93 डेज हो गए हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते और या लतीफ़ो पढ़ते। या लतीफ़ो आपका 12,500 कब हुआ था? वो मैंने जब 30 डेज हो गए थे मेरे, तो फिर मैंने आपसे कहा था कि आप इसको कम कर दें। 30 डेज कंप्लीट कर लिए थे जब मैंने 25K पढ़ा था, तो ये बन गए आपके 30, तो 6.25 लाख हो गए थे जी। और उसके बाद कितने दिन हो गए अब तक? उसके बाद या लतीफ़ों के मेरे हो गए हैं 63, 62, 63। 10 दिन का एक फेरा होगा फिर। 10 दिन का एक फेरा, ठीक है। तो 6 फेरे हो गए ना उसके बाद 12.5 के, और ये 3रा दिन है फिर। जी 6 राउंड्स हो गए जी, बिल्कुल। रिस्क में तो फर्क आया होगा काफी हद तक। शाह जी बेहतरी हो गई थी रमजान में, बहुत बेहतरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद से अब फिर डाउन हो गया है। और रेस्टोरेंट तो कंटिन्यूसली डाउन ही डाउन है, वो उसमें बेहतरी नहीं हुई। और मुझे कुछ ड्रीम्स भी कुछ अच्छे नहीं आ रहे, मतलब मैं जिस तरह देखती हूँ कि बस मिस्ड अपॉर्चुनिटीज देखती हूँ जब भी देखती हूँ ख्वाब में। कल रात को, आज सुबह जैसे मैंने देखा, यानी कोई ना कोई मिस हो रही है, जैसे अपॉर्चुनिटीज मिस लोगों को मिल रही हैं और मुझे मिस हो रही हैं। ठीक है, रमजान आज में, मैंने सुबह देखा, रमजान में कोई और चीज तो नहीं पढ़ी? नहीं नहीं कुछ भी नहीं इस वजीफे के अलावा, नथिंग एल्स। सुनी हो? नहीं शाह साहब सुना भी कुछ नहीं है। क्योंकि रमजान में फर्क आया है तो इसका मतलब रमजान में कुछ हुआ है, कि मलाइका जो है वो ये नहीं कि छोड़ के गए मगर वो काम नहीं कर रहे। शहजाद भाई अब आप चेक करो, कहीं कहीं गए हों, कोई मजलिस वगैरह, मिलाद वगैरह, कोई इस तरह का कोई पढ़ने पढ़ाने का जी, लफंटर टाइप है ये, कहाँ जाना है इन्होंने? मैं एक दिन उसमें तरावियां पढ़ने गई थी, आई थिंक 27वीं की शब पे। यहाँ पे मस्जिदों में होती है ना, औरतों का सबका सेपरेट होता है, इंतजाम होता है फॉर तरावी, तो ये किया था आउट ऑफ द ब्लू, तो और कुछ नहीं किया। अच्छा, तरावी, तरावी का मतलब होता है तरावी, उसके अलावा और तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस यही किया था। नहीं एक मिनट, तरावी का मतलब होता है कि हाथ बांध लिए, तरावी हो गई। बस जी, हाँ, और उसके फौरन बाद वितर पड़े थे और घर आ गए थे। नहीं उससे शायद वितर भी नहीं पड़े थे, वितर भी नहीं, उससे भी कोई नमाज है वो। तरावियों में तरावियां पढ़ी जो जाती हैं, उसके दरमियान में जो ब्रेक होती है एक तरावी से दूसरी तरावी में, उसके दरमियान में जो 1-2 मिनट का वकफा होता है, उसमें क्या पढ़ा? यहाँ पे नहीं पढ़वाते दुबई में, ये अच्छी बात, कुछ भी नहीं होता यहाँ, कुछ भी नहीं होता। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट मिडिल ईस्ट, ये जबरदस्त, ये जबरदस्त चीज है। तरावी का मतलब है तरावी, ये मुझे पक्का पता है, जब भी तो मैंने पूछा नहीं जाता ना, मैंने कहा शायद उन्होंने खुद वहां बैठ के कुछ और पढ़ लिया हो, मगर वो नमाज है वो भी ठीक है। यहाँ पे कोई कोई कुछ नहीं होता, यहाँ पे खालिस प्योर कुरान पढ़ा जाता है। दैट्स व्हाई मसरूर भाई वाली बात की, आप अब क्या बड़े शाह जी को क्या बड़े शाह जी पसंद करते हैं, पसंद मैं, मेरे को भी इस वजह से पसंद है क्योंकि और कुछ नहीं होता, सिर्फ कुरान पढ़ा जाता है और बहुत मजा आता है सुनने का, बहुत अच्छा लगता है ये चीज है। और पढ़ने वाले भी माशाल्लाह से, किसी भी मस्जिद चले जाओ दे कैन रीड वो। और द बेस्ट पार्ट अबाउट एवरीथिंग इज कि आप सुनते रहोगे वो कुरान पढ़ेगा सिर्फ, कोई और चीजें जने इधर उधर की जो है ना, वो जैसे आजकल के जो है ना वो चक्कर के वो बैठे हुए हैं और सब झूम रहे हैं, झूमने झामने का कोई काम नहीं है। ये चीज, दिस इज गुड, दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्लेस। अच्छा ये तो ठीक है। अच्छा और इसको हो गए हैं 60 दिन, या क्या, अगर 6 वजीफे हो गए तो 2 महीना हो गया है जी, 63 days to be precise। और ये रमजान में तंग हो गया, इसका मतलब ये कि रमजान में कुछ कुछ टाइम तो नहीं आगे पीछे ज्यादा कर दिया है, कहीं नागा तो नहीं हुआ है? कहीं नागा नहीं हुआ, लेकिन इस तरह हुआ था कि जब शुरू के डेज थे तो मैं पढ़ते पढ़ते सो गई थी, मतलब मेरा मिस हो गया था, पता नहीं मैंने कितना पढ़ा था, शायद 12,000, ये तब की बात है जब मैं 25,000 पढ़ती थी,
या लतीफ़ो तो शुरू के डेज में लाइक फर्स्ट वीक में, नहीं वो उससे तो नहीं, वो मैं उससे नहीं, सो गई थी, तो नो शायद 12,000 या 13,000 पड़ा था, तो मैं सो गई थी, तो वो कोई और मेरा पता नहीं ख्वाब क्या लतीफ़ा देख रहे टूटा हैं? क्या हो। ख्वाब वो मैं देख रही हूँ, एक दफा मैंने देखा कि मेरे बाल टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं बंचेस में, और मैं डर जाती हूँ, मैं कहती हूँ दिस इज लाइक इमरजेंसी सिचुएशन, सो आई शुड कॉल शाह साहब राइट अवे, ये देखा तो फिर मैं उठ गई थी। और कल रात कल सुबह मैंने देखा है, यानी आज सुबह देखा है कि सब लोगों ने, बहुत से लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने खाना ऑर्डर किया हुआ है, और मैंने भी खाना ऑर्डर किया, लेकिन सबका खाना आ गया एंड देयर ऑल एंजॉयिंग फूड, और मैं बस वेट ही कर रही हूँ, मेरा खाना ठीक नहीं है। आता। इस तरह की मतलब चीजें मुझे देखती ये हूँ। बताएं कि जब आप मस्जिद गए थे तो सर बंधा हुआ था? जी शाह साहब पक्का बिल्कुल, बंधा हुआ था? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बिफोर एंटरिंग तो बंधा हुआ था, गाड़ी में बैठ के भी बंधा हुआ था पूरा, ठीक है, वहाँ लाइक वहाँ खोला तो नहीं बाय एंड एवरीथिंग। नहीं या खुल गया हो? नहीं खुल गया हो, हो सकता है मैंने दोबारा रीडू किया हो खोल के अपना जो हिजाब है सर्क वाला। नहीं, याद करें थोड़ा सा याद करें एक। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मस्जिद में बाल गिरने का मतलब रिस्क वहाँ चला गया आपका। हाँ जी हो सकता है, हाँ ये हुआ है, ये हो नहीं सकता, हाँ ये एग्जैक्टली मस्जिद हुआ में है, क्योंकि मेरे पास बाखुदा दो थे दीवाना होशियार, बाश बाशरियत होशियार। बिल्कुल मस्जिद अल्लाह का शासा, घर है लेकिन सिर्फ भाई। ऑल विमेन की, औरतों की वो प्रेयर रूम होता है ना सेपरेट, तो उसमें मैंने चेंज किया था, क्योंकि मेरा वो तंग कर रहा था जो मैंने शेला पहना हुआ था, तो हाँ मैंने तो वो हर जो दफा है ये नमाज घर वाला से हिजाब करके पहना जाया था। करें, मसला ये है भाई अल्लाह का घर है, थोड़ा सा समझा करें। जी देखें आप में और बाकी लोगों में फर्क ये है, आप पढ़ने पढ़ाने वाले लोगों को पकड़ है उसी जी, जैसे वक्त। आप कहते हैं बारीक हाँ, नुक्ता जो बारीकी का है, रास्ता है ये, बारीकी जभी का जभी रास्ता। जभी हमें डर लगता है इन सब चक्करों में, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि ओह पकड़ पकड़ में ओफा, अब निकली ना हवा, अब कद वाली बाजरे की ओफ। तो शाह हाँ साहब ठीक है आप ना? हैं ना हमारे शेख हाँ हैं, सो यू विल फाइंड अ वे आउट, हाँ तो ये चीज़ है, ये ठीक हो आप जाएगा। फिक्स कर अब ये कि देंगे पता चल गया है, यानी कि जी। द शेख हैज़ फाइंड आउट, ठीक है ना? तो वो ठीक हो जाएगा अब, ठीक है ना? हाँ ये चीज़ है। ठीक है तो शाह साहब, कोशिश कोशिश करें कि जब भी, तो मैं एक बात बता दूं सब लोगों को, स्पेशली लेडीज़ को, देखें जब मसला ये है कि किसी के घर जाएं तो एक ध्यान रखें कि तैयार होके जाएं, पिन क्लिप ये वो सब चीज़ें पैक होके, जो तरीक़ाकार है जब आप शादियों में जाते हैं तो इतनी तैयारी करके सब चीज़ों को चेक रीचेक, मेकअप चेक रीचेक, जेवर चेक रीचेक, गाड़ी के अंदर पेट्रोल से लेके सब चीज़ें, जब अल्लाह के घर जा रहे हैं तो और एहतियात करें। क्योंकि शादी में तो यही होगा ना कि देखो कैसा मेकअप करके आइए, एक आँख काली है एक आँख ग्रीन, लेकिन अल्लाह के घर जो है वो फिर वो ये नहीं बताएगा कोई भी कि एक आँख की ग्रीन है या काली है, दोनों ब्लैक आइज हो जाएंगी आपकी, क्योंकि वहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है। ये चीज़ है ना? जी, ठीक है लेकिन ना? मैं वैसे तो हिजाब नहीं करती हूँ, सो बिकॉज आप भी कहते हैं ना कि ना कुछ इसमें मैटर करता है या नहीं, आई डोंट नो, अब पढ़ने वाले हैं तो हमें हिजाब भी करना चाहिए। नहीं, पढ़ने वाले को हिजाब, देखें हिजाब आपकी मर्जी है, लेकिन मस्जिद में जाके सब कुछ जो जो जी उसके लिए अहकाम रूल्स हैं एंड पूरे फॉलो करना। रेगुलेशंस। मस्जिद में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अल्लाह का घर है भाई, कोई ये नहीं कि क्या कहते हैं उसे, ये शहजाद भाई की दुकान है, नो, इस अल्लाह का घर, ठीक है ना? और सही मानों में मस्जिद देखनी है तो मिडिल ईस्ट में देखो, क्योंकि पता चलता है कि किसी का घर है, क्योंकि वहाँ पे उसी का कानून चलता है, और ये प्रूफ है हमारे सामने कि इतनी बारीकी है। जी ठीक है कद वाली बाजी, ये ठीक हो जाएगा। और मुझे जी जो है 7 दिन बाद एग्जैक्टली ऑफ एयर जो है ना बता दिएगा कि रिस्क में फ़र्क पड़ गया है, अगर ठीक है पड़ा शाह साहब, या आप नहीं पड़ा, ऑफ एयर रात के टाइम फ़ोन करके, ठीक है ना? ठीक है शाह साहब, एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि हाँ पूछो ये जो पूछो मनी पूछो। दम मेडिटेशन करते हैं, इसमें हम कोई इस तरह का कर सकते हैं कि मेरे बाल गिरना बंद हो करा दो, या कोई भी लड्डू फिजिकल एस्पेक्ट्स से लड्डू लड्डू रिलेटेड? लड्डू लड्डू नहीं अच्छा, उसमें कर सकते हैं लड्डू में फिजिकल कर लें, बाल तो वैसे गिरना बंद हो जाएंगे, अभी आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, जी बाल वो? गिरना अच्छा बंद हो अच्छा ठीक जाएंगे। इसके देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप किसी ऐसी जगह जाओ ना, जैसे कि दरबार या मस्जिद या कोई इस तरह के कोई भी हाई रैंकिंग जगह, मसला ये है कि वहाँ बाल वैसे ही नहीं खोलते, क्योंकि खाली आप नहीं, तमाम जिन्नो इन सारी चीज़ें नमाज पढ़ने आती हैं, अल्लाह का घर है, समझ में आ रहा है? जी ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने रमज़ान में कंडीशनर चेंज किया है तो वापस पुराना वाला यूज़ कर लें, अच्छा जी ठीक है, ठीक है ना? चलिए ठीक है शाह साहब, ठीक तो है, फिर मैंने लड्डू दम में हम कर सकते हैं कि लड्डू दम दम में बढ़ा करें, दो बाल या गिरना ये कर आपका दो बंद हो जाएंगे, इसमें? बेफिक्र है, वो मेरा मसला है आपका नहीं है, वरना मैं क्या कहते ठीक हैं है शाह साहब, उसको, विग वाली दुकान में का एड्रेस है मेरे पास, ठीक है ना? ठीक है ठीक ठीक है बाजी, जी ठीक है ठीक है, ठीक है। ओके ओके तो शाह साहब, ओके बाकी 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 अब इसके अंदर अच्छी बात क्या लगी मुझे,
इस कॉल में, इस वाले उसमें अच्छी बात क्या है, क्या कि इनको गाइडेंस शुरू हो गई है, रॉन्ग और राइट बता रहे हैं, गलती कहाँ हुई है बता रहे हैं। अब ये आहिस्ता आहिस्ता सूफी स्किल्स देखते रहेंगे, दूसरे कॉलर्स को देखते रहेंगे कि अब अगर ऐसी गलती हो जाए तो क्या करना है इन्होंने, ऐसी गलती हो जाए तो ये खुद कैसे रेक्टिफाई करेंगे, अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे बताओ ना, पूछ रहा हूं मैं आपसे यार, हाथ हो गई है क्या? नहीं, रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं, रेक्टिफाई तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, रेक्टिफाई मुझे नहीं करना पड़ेगा, तो ये सूफी स्किल्स का फायदा फिर ये मेरे पर ही डिपेंडेंट रहेंगी, तो फायदा फिर पूरी जिंदगी इसका यही है कि नेक्स्ट टाइम के लिए फिर ख्याल रखेंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए ख्याल रखेंगी। लेकिन अगर सियासी बयान इंसान गलती का पुतला है तो क्या करेंगी, उसके लिए ये करेंगी जब इस तरह की चीज़ हो जाए तो फौरन मस्जिद से निकल ले, अल्लाह ताला गलती हो गई मेरे से, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ कर दे, क्योंकि ये तो पक्का पता है कि गलती हुई है, हिजाब खुल गया या बाल खुल ले ये वो ना, इस तरह की चीज़ तो ये है मामला, तो फिर वो गलती वहीं के वहीं जो है ख़त्म हो जाएगी। सही, ये चीज़ है, तो फिर ये नेक्स्ट टाइम के लिए अगर इस तरह होगा तो ये खुद कर लेंगी, तो फिर ये कि ये इसमें खलल नहीं आएगा और ना गाइडेंस होगी इस चीज़ की। और अगर गाइडेंस हो गई कि बाल खुले हैं और ये वो, और उन्होंने सोचा कि मैं मस्जिद गई थी, अब पकड़ का पता चलेगा ना, ये भी तो पता सीखेगा आदमी कि पकड़ कैसे होती है और कहाँ होती है, तो फिर वो ये करेगा कि क्या कहते हैं उसको, नेक्स्ट डे जो है वजीफे से पहले बोलेगा कि मैं कल मस्जिद गया था या गई थी तो ये गलती हो गई, एंड अल्लाह ताला माफ़ करे, और फिर वो ख़त्म हो जाएगी बात। देखो, पहले रिपेंटेंस आती है, पहले एक्सेप्टेंस आती है, देन यू रिपेंट। पहले एक्सेप्ट करते हो ना कि हाँ मेरे से गलती हुई है, जब आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर उसके बाद रिपेंट वो खुद ब खुद करेगा, क्योंकि आपके बस का काम नहीं है रिपेंट कराना, वो उसका काम है, आपने एक्सेप्ट ही करना है उसको कि हाँ मेरे से गलती हुई है, ये चीज़ है, क्योंकि ये पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक है ना, ठीक है कदवाली भाजी, समझ में आ गया फार्मूला? जी शाह साहब, ओके भाजी, ओके ओके जी, ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह ताला ब्लेस यू। काशिफ भाई को मेरी तरफ से कर दिएगा, ठीक है ना, ओके भाई, ओके खुदा, ओके भाई, अल्लाह हाफिज, ओके भाजी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, नेक्स्ट है लाहौर टू चाइना वाली भाजी, आजम भाई आप म्यूट कर दें, लाहौर टू चाइना मतलब इनवाइट चाइना है ना वो। सामने पुकार भाई, लाइट चेंज की है अभी, चली गई। ठीक, आजम भाई आप म्यूट कर दें। इनवाइट चाइना, एक मिनट। जी, कहते रह गए उस दिन शहजाद भाई, चैट वालों में असिस्टेंट नजर आएंगे सिवाय गुलाब चंद के, और कोई भी नहीं है चैट में, देख लो। लेकिन वो मिसाल सही थी ना शहजाद भाई, वो जो है वो वहां के स्माइली है ना, वाकई वो वहां के स्माइली है, जैसे हमारे यहाँ एक स्माइली है तो वो वहां के स्माइली है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसे मुझे पता है सब नजर आ रहा है, मानूर भी है, ठीक है ना, जेनिट भी है, वी आर हियर, पता है मुझे जेनिट पहले देख लिया था, अकलमंद। इनवाइट चाइना, अच्छा आपको कितने दिन हो गए हैं शहजाद भाई? मुझे हो गए हैं 83 दिन हो गए हैं पढ़ते हुए, स्टार में कैरियर का तीसरा दिन है, 25,000 वाला या लतीफो, ठीक है, 25,000 वाले का आज तीसरा दिन है, एक राजा पढ़नी है, एक दर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बिस्मिल्लाह जो पढ़नी है उसके 75 दिन हुए हैं। इनसे ये पता करो जरा सा, 25,000 पढ़ रही हैं और इनके वजीफा भी टिका के चल रहा है, मुझे ये बताओ, इनसे ये पूछो हर पांचवे दिन या छठे दिन कोई काम हुआ है, क्योंकि ये सवा लाख कर रही हैं, ये पता करो शहजाद भाई। जी बाजी, हर पांचवे दिन या छठे दिन कोई काम हुआ है शासक? वो मैंने टेस्ट मनी दी थी थोड़े दिन पहले के, हर पांचवे दिन या छठे दिन, पांचवे दिन बाजी, यो पूछ रहे हैं उसका प्रिसाइज जवाब चाहिए, टेस्ट मनी का नहीं पूछ रहे हम, वजीफे का पूछ रहे हैं। इतना ज्यादा तेज नहीं आई कि हर पांचवे दिन काम हो। अच्छा, नजर पांचवे या छठे दिन क्या क्या आया है ये बता दे। शुरू में आता रहा, बीच में से बंद भी होगा, फिर आना शुरू हो गया, जो आया है वो बता दे, पांचवे या छठे दिन शहजाद भाई, स्पेसिफिकली पांचवे या छठे दिन, ठीक है।
छठे दिन तक का तो है ही नहीं है, पांचवे दिन तक का फिर है पांच। बाजी एक मिनट, आपने डायरी बनाई होगी जाहिरी बात है, ठीक है, उस पर दिन भी लिखे होंगे कि इस दिन ख्वाब देखा या इस दिन वजीफे में देखा। वो जो दिन है ना पांचवे दिन या छठे दिन का, वो अभी फिलहाल वजीफे को भूल जाएं कि वजीफा 10 दिन का है, 15 दिन का है, 30 दिन का है, कितने दिन का है, पांचवा दिन और छठा दिन उसका बता दें। अच्छा, शाह साहब जो कल देखा वो बता दूं रात को। कल पांचवा दिन था या छठा दिन था? तीसरा दिन था। है, तो मैंने क्या पूछा? या छठा पूछ रहा है? मैं अभी देख रही हूं। जी वो देख लें, वो जरूरी है। पांचवा दिन सबस पत्ते से नजर आए थे। गुड। वजीफे में या ख्वाब में? गाइडनेस है, बिस्मिल्लाह किया है। वजीफे में गनूत में नजर आए। एक मिनट, मैं दोबारा सवाल इनको बार बार बता रहा हूँ, जो या लतीफों के पांचवे या छठे दिन इनको ख्वाब में क्या नजर आया था वो पूछना है मैंने। हर पांचवे या छठे दिन हर फेरे पे मुझे पता करना है। बिस्मिल्लाह का कुछ नहीं पता करना, ना मुझे कोई और चीज पता करनी है। हाँ जी शाह साहब जी, 11वें फेरे का जब पांचवा दिन था तो समुंदर का पानी है जैसे ब्लू कलर का, तो एक गत्ता उसके ऊपर तैरता हुआ नजर आया था। फिर मतलब जैसे ऊपर तार है गत्ता पानी के, और ब्लैक हैट थी जैसे वो जो डिग्री मिलने पर नहीं पहनाई जाती है, पहनी जाती है ब्लैक हैट, वो ऊपर से नीचे आ रही थी तीन चार इस तरह। आपने ख्वाब में देखा है? ख्वाब नहीं मुझे आ रहे, बहुत काम आया, कभी कभी आया कोई एक आता गाइडेंस। ये वजीफे में देखा है? वजीफे में देखा है। हाँ जी। और फाइज ज़ैनब है मेरी फ्रेंड की बेटी, जैसे वो मेरे पास आकर रूम में बैठ जाती है। ये है, ये आपने फेरे का पांचवा दिन है, ठीक है। और ये दसवें वजीफे के बाद देखा है? 10-5 दिन हो गए ना, 50वें दिन यानी कि 25वें दिन देखा है। ये 55 डेज हो गए थे। हाँ, तो इसका मतलब 20 वजीफे हो गए थे, क्योंकि 5 दिन का फेरा है ना इसका। 55 का मतलब 21 वजीफे हो गए थे। वजीफे देर से खुल रहे हैं इन सबके वजीफे देर से खुल रहे हैं। शायद आप रात वाली बता दो। इसके अलावा कोई पांचवे दिन, कोई और किसी और फेरे का पांचवा दिन? रही हूं। एसी बंद करके आ रहा हूं। ओके। हाँ जी, पांचवे दिन ये है कि सातवें फेरे का पांचवा दिन था, तो बिस्मिल्लाह में मतलब भी देखा है, ये गाइडेंस है। नवाज शरीफ जैसे बिस्मिल्लाह में नहीं बाजी चाहिए, मैं बिस्मिल्लाह में नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह नहीं चाहिए, बिस्मिल्लाह नहीं चाहिए, नवाज शरीफ हो या डोनाल्ड ट्रंप। बिस्मिल्लाह इनको बताओ, खुला हुआ है, जो खुला हुआ है उसके अंदर कुछ नहीं सुनना हमने, हमने सिर्फ या लतीफों का देखना है कि दिक्कत वहां है। अच्छा, ये अब पता करो कि ये कितनी देर लग रही है 25,000 पढ़ने में, अब चेकिंग पे आ जाओ। ठीक है बाजी, या लतीफों पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है? और स्कोर कह रही है कि इनवाइट चाइना जो है ना वो टॉप पे है। ठीक है, बिल्कुल टॉप पे है। अच्छा, अब मुझे बता दे 25,000 पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है बाजी आपको या लतीफों? जिस दिन मतलब भी ज्यादा गनूद ना हो तो उस दिन 4 घंटे लग, ज्यादा गनूद होते उस दिन 4 घंटे लग। ठीक है। और किस वक्त पढ़ना है? किस वक्त पढ़ना है बाजी? इनवाइट चाइना की आवाज चली गई है। रात में बैठ रही हूँ, 11:30 बजे बैठ जाती हूँ। ठीक है। तस्वीर कितने दानों की है? 1,000 दाने हैं। उन्नीस बार बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करती हैं। जी। दरमियान में कोई मोबाइल वगैरह? नहीं, मोबाइल दूर होते हैं तब। वैसे ठीक है सारी चीजें। और दूसरी चीज अभी तक कितने फेरे हो गए हैं 25,000 के? 17वें फेरे का तीसरा दिन, 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन हो जाएगा।
सतारवा फेरे का तीसरा दिन है, तीन दिन हो चुके हैं सतारवें फेरे के, आज पढ़ूंगी तो चार दिन हो जाएंगे। अब इनकी भी इजाजत जो है ना 50 वजीफे की इजाजत दे रहा हूँ इनको, 50 सवा लाख की, ठीक है ना। तो अभी फिर वो एक्सटेंड हो जाएगा शायद, इस वजह से ना खोल रहा हूँ। कल मतलब काफी दिनों बाद जो है ना मेरे पांव बहुत ठंडे हो गए थे, कल हुए हैं ज्यादा ठंडे, ऊपर ऐसा रहता है जैसे कोई कूलिंग ठहर जाती है आके। वो सारी चीज़ें जो है ना, वो सारे चीज़ें खुली हुई हैं, वजीफ़ा खुला हुआ है, मगर वो काम जैसे करना चाहिए ना उस तरह कर नहीं रहा वजीफ़ा। ये वो नज़र भी आ रहा है आपको, मुझे पता है सब कुछ नज़र आ रहा है, बिस्मिल्लाह भी खुली हुई है, बिस्मिल्लाह भी नज़र आ रही है। ये भी 12-12 दिन के फेरे हैं, तो ये भी समझ लें कि 50 कर लें इसको, 12 दिन के फेरे ना, कि वो एक्सटेंड होता रहे खुद ब खुद, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह जो है वो मेरी 1000 है रोज की। हाँ ठीक है, 12 दिन के हिसाब से, 12 दिन के हिसाब से 1000 काफी है। फिजिकल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए कि कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन कम है इनकी, जोर है वजीफे में, पढ़ाई में ताकत है। चाइना के साथ जुड़े हुए हैं ना शारदा, हम तो चाइना की आज खुशखबरी आई है कि चाइना खुल गया है, जहाँ 15 लाख लगता था अब 5 लाख में काम हो रहा है, 5 लाख में पहली फ्लाइट गई है PIA के, 300 बंदे गए हैं आज। नहीं वो तो ठीक है, वो ये नहीं कि वो तो ठीक है, खुलेगा तो फिर अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। हाँ ये वजीफा खुलेगा तो फिर क्या कहते हैं उसे, खुला होगा, खुला खुला मतलब खुला होता है, ठीक है ना। हाँ खुला आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि खुला किसको कहते हैं, ठीक है ना। जी जी तो ठीक है, गुड है, ठीक है ना। शाह साहब रात वाला ख्वाब सुना दूं? हाँ सुना दे। शाह साहब गार्डनस में तो मुझे शादी नजर आई थी और मिठाई भी नजर आई है, और कोई जगह है तो वो जगह सारी मतलब रेड सी है, ग्राउंड है रेड सा, और उधर दो जो ट्रैफिक के कप होते हैं ना वो घूम रहे हैं उसमें, और एक तरफ ना सजल अली बैठी हुई है, तो मैं उसको देख रही हूँ। मेरे कौन बैठा है? फ्रेंड है एक्ट्रेस सजल अली। क्या नाम है? सजल अली। हाँ तो ठीक है, तो वो दोनों कप उसके पास मतलब जाते हैं, वो भी पकड़ती है कप, तो उसके बाद बस इतना ही नजर आया मतलब ख्वाब में, ट्रैफिक के कप होते हैं दो। और शायद दरख्तों की टहनियां परसों गार्डनर्स में ना दो मतलब नजर आई है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे है, टहनियां पकड़ी हुई है ग्रीन पत्तों वाले, जैसे हवा नहीं देते ऐसे ऊपर नीचे हो रही हैं, ये भी गार्डनर्स में नजर आई है, सबा सबा पत्ते हैं उनके लगे हुए हैं। ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है, पहले ना जी सब कुछ सही है बाजी जी। छत्र एक और भी है ना, एक मिनट सॉरी मैं बात काट रहा हूँ माजत के साथ, लेकिन मैं सबको एक चीज बता दूं कि कुछ चीजें जो है ना वो किसी भी जगह आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, किसी भी क्लास में बैठे हो, जो टीचर पूछता है ना, जो वो टेस्ट लेता है, वो सवाल काम के होते हैं जो टेस्ट में होते हैं। बाकी अगर बच्चा जो है पूरी बुक ले आए और कहे मैंने ये भी पढ़ा है ये भी पढ़ा है, वो अच्छी बात है, वो चैप्टर्स पढ़े, लेकिन जो टेस्ट हो रहा है नंबर उसी में से मिलेंगे। तो इस चीज का सब ध्यान रखें कि जो शाह साहब पूछ रहे हैं वो उस बारे में ही बताएं, उतना ही बताएं, तो उससे यह है कि सबके लिए ईजी भी होगा और उससे काम होंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, मतलब कि वो चीज पूछते हैं जिससे वज़ाइफ और ये इसमें गाइडेंस भी और फिजिकली जो काम होना है वो कैसे आगे बढ़े उस बारे में शाह साहब ज्यादातर पूछते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी सब चीजें आपकी तो वैसे ही शाह साहब ने कहा है कि वजीफा खुला हुआ है तो माशाल्लाह ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन वो चीज है मेन। ठीक है बाजी, देखें मैं एक बात बता दूं कि इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, थोड़ी सी अबुंड से कि रूड मिसाल है या क्रूल है या कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन शहजाद भाई सामने बैठे, जब ये पहले दिन आए थे उस वक्त से लेकर अब तक, देखें ये मेरे पास जो आए थे बेसिकली कोई कानून दान बनने नहीं आए थे, क्यों शहजाद भाई, है ना, ना कोई डॉक्टर बनने आए थे, ठीक है ना, ये बेसिकली कलाम इलाही की बरकत से फैजियाब होने आए थे कि दुनिया भी काम हो,
ऐसा ही है ना जी, हाँ, बिल्कुल। वरना तो ये नौकरी कर लेते टेक अवे में जाके, टैक्सी कर लेते, है ना, ये चीज़ है। तो मसला ये है कि अगर वो काम नहीं हो रहा है, इतनी लंबी लंबी चार चार घंटे ये लगाएं, सुबह भी बिस्मिल्ला भी रगड़ें, फिर दोपहर को क्या कहते हैं उसे यासीन विरद मुबीन भी पढ़ें, और फिर जो है क्या कहते हैं उसे रात को जब दुनिया सो रही है, दुनिया पार्टीज कर रही है यूके में, ये जानवाज पे बैठे कटर 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 कट बड़ी तस्बीह के ऊपर पढ़े जा रहे हैं, अगर ये काम भी ना हो तो फिर तो कि अब्बा वाली बात, कि इल्म बेकार है ना, क्यों? बिल्कुल, ये चीज़ है। तो ये एज अ एग्जाम्पल मैं आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सबको समझा रहा हूँ कि शहजाद भाई को देखो, ये पढ़ रहे हैं कितने, 3-4 साल हो गए पढ़ते हुए, है ना, और यही इसम पढ़ रहे हैं, और इनसे जो मैं पूछता हूँ ये उतना ही बताते हैं, जबकि देखते रोज़ाना कुछ ना कुछ है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, या मेरे मतलब की होगी या इनसे रिलेटेड होगी, बाकी ये कि कोई चीज़ ऐसी होती है कि ये इनको लगता है कि इम्पोर्टेंट है कि हाँ मैंने ख्वाब में ये देखा है, ये चीज़ है। तो ये रिजल्ट्स आने चाहिए, आई वांट टू सी रिजल्ट्स। अब वो यही है कि ये क्या कहते हैं उसे, इस तरह का काम सोशल मीडिया पे पहले हुआ नहीं है, किसी ने किया ही नहीं है, है ना जी, हाँ, ये चीज़ है। ये पहली दफ़ा हम कर रहे हैं कि 1,25,000 की तादाद जो है ना किसी को लाइव पढ़वा रहे हैं, वरना ये कि इजाज़त जब वजीफे की देते थे, भले कमरा भरा हुआ हो मगर उसके कान में बता दिया, उसने कान से अपने दिल में याद कर लिया, दैट्स अबाउट इट, उसने अगले को नहीं बताया, जबकि सबको पता होता था कौन क्या पढ़ रहा है, लेकिन बोलता पूछता कोई नहीं था किसी को। और अभी भी जो है बाहर आप लोगों को जो पढ़ रहे हैं लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल कद वाली बाजी आई थी, किसी को बताने की इजाज़त नहीं है कि कहीं जाके वो बता देंगे, बहन पूछ आप क्या पढ़ रहे हो इतनी देर, मैं या लतीफ़ा पढ़ रही हूँ, बड़ा मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, ना लुत्फ़ उसका काम नहीं है, ये रिजल्ट्स के लिए पढ़वा रहा हूँ कि आप जो है घर बैठे हुए, इसके बजाय कि आप लोग नौकरियाँ करें, धक्के खाएं, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, वो पढ़ें और शौहर की आमदनी बढ़े, खुली बढ़े, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वो इतनी कि वो गुजार बसर हो, खुली बढ़े, ये चीज़ है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग हियर, एंड अल्लाह ताला ने सलाह, प्रोसेस इज़ प्रूवन, काफ़ी हद तक चल पड़ा है ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है। तो ये चीज़ है कि जो पूछा जाए बाजी उसका ध्यान रखें, और कोशिश करें कि ट्राई टू राइज, देखने दाखने के चक्कर में ना रहें ज़्यादा, जितना देखना है वो हमें पता है कि आपको कितना दिखाना है, क्योंकि अगर आप देख लोगे ना, आप दोबारा तस्बीह क्या जानवाज की तरफ देख के नहीं बैठोगे, कि डर लगेगा आपको जानवाज देख के, क्यों शहजाद भाई, सही कह रहा हूँ या गलत? बिल्कुल, ये चीज़ है। तो ये मामला है, ठीक है भाजी, ठीक है, इन्वाइट चाइना, और बाकी ये कि क्या कहते हैं माल मंगवा लें पाकिस्तान से जल्दी जल्दी। मुझे बता दें मैंने कितने करने हैं, 50 खीरे करने हैं इसके। अभी तो करते, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो कम कर दूं? नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो बस ठीक है, खींच के रखें आपको 50-50 की, मैंने यहाँ डायरी में लिख दिया है अपने पास, 50-50 डेज, 50-50 फेरे की मैंने इजाजत दे दी है, लतीफों की भी और बिस्मिल्लाह की भी, ठीक है ना जी? ठीक है, ओके भाजी, ओके, खुदा हाफिज। और उसके बाद 11 है तमन्ना, तमन्ना बता दे तेरी तमन्ना क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, शहजाद भाई, शाह साहब मेरी 109 डेज हो गई है वज़ाइफ की। लाइन का पता चला आपको क्या? बाद में बताऊंगा जी, बोले जी शाह साहब, मेरी 109 डेज हो गई है। हाँ, फेरे कितने कितने हो गए हैं सवाल आपके? 25 के, यानी के 10 20 20 21 21 21 फेरे, या लतीफों के 25,000 के, और 12,000 1,000 पर डे, तो हिसाब लगा लो, डिवाइडेड बाय 12, 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा, वो समथिंग तो छोड़ दे, मुझे ये बता दें कि क्या कहते हैं नज़र क्या क्या आ रहा है? मैंने रिकॉर्ड यहाँ कोई भी नहीं है आपका, सिर्फ गुड लिखा हुआ है। शाह साहब, वो 28 दिन में मैंने ये देखा ड्रीम में कि मैं एक कार में बैठी हूँ, जहाँ पे मतलब वो एक डिजर्ट में चल रही हूँ, पुरानी कार है, तो मतलब मैं वरीड हूँ कि मैं डिजर्ट में कैसे, कौन से डिजर्ट में, चॉकलेट पुडिंग या वनीला एंड स्ट्रॉबेरीज, मतलब शाह साहब लाइक अरबिक कंट्री। अच्छा, डेजर्ट में, मैंने कहा डेजर्ट में गाड़ी लेके चल रहा है, मैंने कहा बहुत ही बड़ा डेजर्ट होगा फिर, ठीक है, तो गाड़ी बहुत छोटी होगी, ठीक है, बोले बाजी, बोले
वो वाली, तो मतलब मैं सोच रही हूँ कि मैं डेस्टिनेशन में कैसे कैसे पहुंचू, तो उसके जब मैं ये सोच रही थी तो किसी ने मुझे कान में आकर बोला कि तुम पहुंच जाओगे, तो मतलब इसी से मेरी गाड़ी की स्पीड इतनी तेजी से, मतलब वो ऊंचाई से मुझे ऐसे नीचे खींचा, मतलब मैं बहुत ही स्पीड से डेस्टिनेशन पर जा रही थी, तो मुझे तब किसी ने ये बोल रही थी कि सामने जो एक मेटल गेट है वो ही तुम्हारी डेस्टिनेशन है, तो मतलब वो रोड ऐसा था कि मतलब एक साइकिल ही आराम से चल सकती थी, इससे अलावा कोई गाड़ी ऐसे नहीं चल सकती, बट वो गाड़ी मुझे मेरी डेस्टिनेशन पे जाकर लाके खड़ा कर देती है, तो मैं जब जाती हूँ जाने के बाद देखती हूँ कि मेरे सामने जो मेटल गेट है वो खुला हुआ और मैं उठ जाती हूँ। ठीक है, गुड। अच्छा, ये मुझे बताएं कि क्या कहते हैं, और ये कब देखा है आपने? 28 डेज में, 28 डे। 28 डे का मतलब छठा वजीफा होगा ना फिर, ये पांचवा और छठा, जी छठा वजीफा। टाइमिंग तो बहुत अच्छी है, क्योंकि 5 वजीफे के बाद या 3 वजीफे के बाद वजीफा खुलता है, तो ये गेट खुला हुआ है और गाड़ी चल रही है। उसके बाद कोई जी और चीज़ देखी हो? क्योंकि अभी तो आपने 21 कर ली है। जी शाह साहब, उसके बाद उसके बाद मैंने 58 डेज में देखी, इसके बीच में मैंने जो देखी ड्रीम्स वो मुझे शाह साहब याद नहीं रहे, बट ठीक है, इसके बीच में 50 डेज में मैं जब नमाज के बाद सो रही थी, तो मैंने देखा कि मेरी कजिन्स नींद में ही, मेरी कजिन्स घर में आ रही है, नाम? जो कि मैं ईमान ईमान है उसके नाम, ठीक है, ईमान आ रहा है, यानी कि फेथ आ रहा है, ठीक है, ईमान। यकीन पैदा हो रहा है, ठीक है, गुड है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाली देखी, तो हाँ, जब बट जब मैंने नींद से उठी अम्मी से पूछे तो वो घर नहीं थी, बट मैंने उसे देखा, आई एम श्योर कि वो मेरे पास आके बैठा है, मेरे से बात कर रही है, बट क्या मुझे याद नहीं। और इसके बाद शाह साहब मैंने ये देखा कि मतलब वजाइफ करते वक्त वेरी शाइनिंग लाइक, मतलब कुछ चीज से मेरे पास बहुत ज्यादा रोशनी आ रही है, लाइट एंड शाइन लाइक, मतलब स्टोन की जब यहाँ पे जो जीरकॉन टाइप्स या मतलब वो वाली जो स्टोन्स होती है ना, वहां से दोनों पर्दे के बीच में एक स्टोन की तरह रखा है, वहां से मेरे पास लाइट्स आ रही है, तो मतलब मैंने अचानक से आंख खोल ली, वो बस इतना देखा। ग्लेयर, तो ग्लेयर बोलते हैं उसे, ग्लेयर आ रही है, इनडायरेक्ट लाइट, ठीक है, और पर्दे के बीच में से आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आप वजीफा किस टाइम कर रहे हैं? शाह साहब जो या लतीफू है वो तो मैं ईशा की नमाज की बात करती ठीक हूँ, है, बिस्मिल्लाह की नहीं पूछ रहा, जो बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह आपकी सिर्फ यह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, तो वो इतना वैलिड नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात ये मुझे बताएं, या लतीफ़ो ईशा की बात कर रहे हैं, अंधेरा होता है कमरे में फुल? जी, ठीक है, लाइट की कोई तड़क आती है कमरे में? नहीं लाइट की कोई तरफ नहीं आती। ठीक है, और कभी ये आवाज़ आई वजीफे में, हम आना चाहते हैं? हाँ शाह साहब एक दफा आई थी, मुझे हाँ, तो इतना इसका डर मतलब लाइट की लगा। तड़क आ रही है, ख्वाब में भी वो आपको यही बता रहा है। शहजाद भाई देख लो, फिर ना कहना कि जी पता नहीं चलता, ये पता करने की चीज़ नहीं है, ये मैं बचपन से एक्सपीरियंस कर चुका हूँ सारी चीज़ें। अगर वो आवाज़ अवॉइड कर दो तो फिर वो दिखाने लगता है कि लाइट की तड़क आ रही है बीच में, इनडायरेक्ट लाइट, कमरे को अंधेरा करना है क्योंकि वो आना चाहते हैं। शाह साहब एक और ड्रीम है वो सुना दूं? जी सुना दें, आखिरी ड्रीम है ये बस, क्योंकि काम की चीज़ जी वो थी, बाकी ये चीज़ें ठीक हैं, सुना दें। हाँ, एक दफा मैंने आपको एंड शहजाद भाई को देखा लड्डू दम में, आप ये हो दोनों ही नहीं बैठे सकता, हम हुए दोनों साथ हो, ठीक है ना, झूठ है ये, ख्वाब सच्चा नहीं है ये, ठीक है ना, ये शैतान वलगला रहा है ख्वाब में। अच्छा बोले बाजी, आपके चक्कर में बोलो, ठीक है ना, दुम्बा क्या लिख रही है, टिंडे नजर आ रहे हैं, पता नहीं क्या से नजर आ रहे हैं। हाँ ठीक है, बोले। वो मतलब अब दोनों को देख रही हूँ, अब दोनों ऑरेंज कलर टाइप्स की, मतलब कोई कमीज पहने हुए हैं अब दोनों, एंड अब दोनों मुझसे बुला रहे हैं किसी चीज के लिए, बस मुझसे इतना ही। बुला रहे हैं क्या मतलब, आपको बुला रहे हैं यानी? आपको अच्छा ठीक है, मैंने कहा इनको मुझसे बुला रहे हैं, यानी कि अजीब बुला कैसे समझाएगा, ड्रामा को भी नहीं समझा सके कि ये कि मुझसे बुला रहे हैं। रहे हैं। हाँ बस आप सब आपको बुला रहे हैं, ठीक है, जी हाँ मुझसे बुला रहे हैं, ठीक है, तमन्ना है ना इनका नाम? हाँ, जी आयशा तमन्ना, जी आयशा जी तमन्ना, ठीक मतलब है, तमन्ना। एवरीथिंग इज गुड,
ठीक है। और कोई तंगी तो नहीं है रिस्क की या कोई और चक्कर होना तो नहीं चाहिए? नहीं शासन माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा है। जब भी मेरी कोई खाने की चीज की तमन्ना होती है वो घर में आ जाती है। बस ठीक है, तमन्ना जारी रखें और मेक श्योर करें कि कमरा अंधेरा कर दें, जो तड़क आ रही है बंद करें लाइट की। अब किस तरह करें मुझे पता नहीं है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, एक टाइम था मेरे, ये बात है तकरीबन 1992 की, मेरे ग्रेजुएशन का एक मसला था, शहजाद भाई को पता है क्या मसला था। तो मैंने एक वजीफ़ा किया था और वो वजीफ़ा रात को करने का है, लेकिन मुझे पढ़ना दिन में था क्योंकि काम मेरा अपना था और अब्बा को भी नहीं बताना था, तरीके मुझे सारे पता थे पढ़ने के। तो मैंने जो नीचे कमरा होता था, एक लोहे की अलमारी होती थी लेफ्ट हैंड साइड पे, कराची में फेडल बी एरिया में रहते थे, फ्रंट रूम था वहाँ, बेडरूम था मेरा, बेड के साथ मेरा जानमाज होती थी। तो मैंने क्या किया कि जो खिड़की है ना उसके ऊपर मैंने ब्लैंकेट, क्योंकि कराची में ब्लैंकेट देख लेना आदमी को पसीने छूटने लगते हैं जब गर्मी होती है, और थे भी मार्च अप्रैल का तो गर्मी बहुत थी। तो मैंने ब्लैंकेट जो है ना कीलों के साथ लकड़ी के अंदर ठोक दी थी उस वक्त ना, कीलों के साथ ठोक दी थी कि बिल्कुल अंधेरा गुप करके कि रात का माहौल हो जाए अंदर, फिर पढ़ा है वो वजीफ़ा। और मैंने अच्छा खासा, मेरे ख्याल से 3 महीने पढ़ा था, 12-12 दिन के फेरे थे वजीफा। मैं नॉर्मली भी पढ़ता था लेकिन वो किसी वजह से पढ़ रहा था, बड़ा मसले में फंस गया था। लाइव बता, लाइव क्या वैसे भी नहीं बता सकता कि हुआ क्या था, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं ऐसे ही निकला हूँ मैं मसलों से। मैंने पूरी लाइफ जो है ना वजीफों पर ही गुजारी है, ठीक है ना। लेकिन दोस्त भी मेरे ऐसे थे कि मैं एक बात बता दूँ कि वो जान देने लेने वाले लोग थे, यानी कि हम आपस में 4-5 आदमी थे, लेकिन वजीफा जो है वो ऐसे किया था। और जो उस प्रोग्राम में बात हो रही थी वो बात बीच में रह गई थी पिछले प्रोग्राम में, एलिबैट टीवी पे। बेसिकली लंग पंक्चर हो रहा है तो आपको लंग क्रिएट करना पड़ेगा, समझ में आया शहजाद भाई जी? मसरूर भाई बार बार एक बात करते हैं आपको, तो मेरे ख्याल से कल भी उन्होंने कहा होगा कि प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। यस हाँ, यानी कि उठना पड़ेगा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अभी जैसे कैमरे का ऐसे ही जाने दो, अगर ये उठ के नहीं करते वजीफों से होता नहीं, वजीफों से होना होता तो पहले से ही हुआ हुआ होता। तो ये चीज़ है कि ये इस तरह की चीज़ है। बट अब ये भी क्वेश्चनेबल चीज़ है कि गायब से कैसे आता है, क्यों जी? हाँ ये चीज़ है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके लिए आता है, ये मैं बता दूँ। जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता उसका खुदा होता है, वो कहीं से भी आता करते हैं। ये बड़े रम्स की बात थी, अब ये बात जिद्दी नहीं समझेगी, अपनी जिद लगा कर मुझे चाहिए, ठीक है ना? अल्लाह, ठीक है जी। अशा साहब, वो आपने आज सुबह मेरी वजाइफ चेंज किए थे, 12.5 की या मुगनी दी था मुझे। हाँ तो ठीक है, अच्छा वो बता दिया तो मैं चेंज कर लूँ यहाँ पे जी। और शाह साहब एक और चीज भी हुई थी मेरे साथ, वो ये है कि मेरी वजाइफ में 5 मिनट्स लेट हो रहे थे, मैं ना नेप ले ली थी बीच में, तो मतलब तब मैंने देखा कि मुझे के की कॉल आ रही है मेरी कान में, मतलब केश करके मुझे बोल रही है कि तुम मुझे बुला क्यों नहीं रही हो, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड एंड किड्स के साथ हूँ, मुझे बुलाओ जल्दी। तो मतलब तब तो मैंने फौरन उठ के, आपके 12,500 के हिसाब से 10 वजीफे 100 दिन की इजाज़त दे रहा हूँ, यानी कि 10 वजीफे की इजाज़त दे रहा हूँ, उसके बाद भी एक्सटेंड रखिएगा, लेकिन 10 की तो कंफर्म दे रहा हूँ, 100 दिन की, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वही 1,012 शुरू से जो चल रहा है वो 200-300 दिन की दे देता हूँ, ठीक है ना? ओके सर। और एक काम करें इसके साथ जो है ना, या लतीफ़ो जो है 1,029 दफ़ा पढ़ें कि तसर्रुफ़ रहे, आपका रियाज अच्छा है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, ये रोजाना पढ़ना है। ओके शासन, ठीक है, डन, ठीक है। ओके शासन, ओके ओके तमन्ना वाली बाजी, ओके खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम, उन्हीं को सलाम करो जी। छोटी सी आशा, दिखाऊंगी अब मैं, खुदा को मान यार क्या दिखाएगी इस वक्त, कुछ तुक की बात कर,
कोई समझ से बाहर है लोग यार। एक तो ड्रामा क्वीन भी एपिक है, 4 बजे ले आई सुबह यार, जरा कैमरा बंद कर लूँ जरा 2 मिनट, ये चीज़ है मैं दिखाऊंगी। मैंने कहा ऐसे कैसे दिखाएगी यार, हद हो गई है जी। बोले हाँ बोलो छोटी सी आशा जी। छोटी सी आशा शाह साहब, मेरे रिस्क में तंगी है और आपने आपसे लास्ट टाइम जब बात किए थे तो आपने बोला था कि प्रोग्राम में दोबारा आएंगे, तो तब मुझे कोई लिंक नहीं दिया तो मैं नहीं आ सकी, तो ये है। और मेरे या लतीफों के 8 फेरे 9 फेरे चल रहे हैं अभी तक कंप्लीट नहीं करो हुआ क्यों है, 8 हो गए हैं। शहजाद भाई पढ़ कहाँ रही हैं बाजी आप? बेडरूम में। जानमाज पे? हाँ जानमाज पे। तस्बीह कितने दानों की है? 1000 दाने की। और किस टाइम पे पढ़ रही है? ये पता करो कि इत्र लगा के पढ़ रही है आप? इत्र लगा के परफ्यूम वगैरह कुछ? इत्र कौन लगा के पढ़ रहा है? इत्र किसने लगाया है इस वक्त? इस वक्त कौन? इत्र? मैं नहीं, मेरे घर में नहीं, हम तीनों में से चारों में से। शहजाद भाई ने तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, ओल्ड स्पाइस लगाया होगा जिस तरह के आदमी है ओल्ड स्पाइस। आजम भाई आप? आजम भाई इतर तो नहीं लगाया वहाँ? जी हाँ मैंने लगाया। हाँ ये बंद कर दो लगाना क्योंकि मलाइका चले जाते हैं इससे वज़ाइफ के, ठीक है ना? अच्छा ठीक ठीक। तो बाहर पे बाद में अच्छा। बाहर में जब जाऊंगी तब भी नहीं लगा सकती? नहीं बाहर इत्र मत लगाओ, कोई परफ्यूम्स लगा लो, कोई डिओड्रेंट लगा लो, इत्र का बड़ा अजीब सिस्टम अच्छा। है हाँ अच्छा हाँ अच्छा। ऊद लगा लो, ऊद लगा लो, ऊद लगा लो, मगर ये जो आजकल ये 2 नंबर के इत्र मिल रहे ना ये सब बंद कर दो। इत्र हो तो असली हो, फिर इत्र असली मिलेगा नहीं आपको, ये चीज है ना, असली इत्र मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो वो जामा क्लाथ पे एक दुकान है इत्र वाले की, उसके पास असली इत्र होते हैं, देने वाली सरकार को पता होगा, बहुत बड़ी दुकान है जामा क्लाथ के बिल्कुल सामने, वो एक ही है पूरे कराची में या सिंध में के जो असली इत्र रखता है। इत्र निकालने का भी एक तरीका है, ये सारे प्रोसेस्ड इत्र है 2 नंबर के चाइना के बने हुए, वरना इत्र निकालने का बकायदा केती से निकलता है, छनता है वो, उसकी स्टीम से वो इत्र बनता है, फिर वो मुअत्तर करता है फिजा को। ये जो है ये सब 2 नंबर इत्र है और इससे मलाइका भाग जाते हैं। इससे बेहतर तो बॉस का या कोई भी परफ्यूम लगा लो, वो ज़्यादा ठीक है, उससे ये कि भागते नहीं है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बाकी का मुझे पता नहीं है जी। बोले हाँ बोलो छोटी सी आशा। छोटी सी आशा आप डिओड्रेंट लगा लिया करो, वो सबसे बेस्ट है, शहजाद भाई तो वो ही लगाते हैं जी। नहीं मेरे बैग में हमेशा रहते हैं, मैं यूज कम करती हूँ इतर। हाँ हाँ तो निकाल दो चंदा, ये भी दिक्कत है। ठीक है हाँ ये भी दिक्कत है। मसरूर भाई से पूछ लेना कि कभी हमारे अब्बा को देखा था इत्र लगाते हुए, ओल्ड स्पाइस लगाते थे वो, पटपट शेव करने के बाद चपड़ चपड़ करके फुल टाइम ना, तो ओल्ड स्पाइस निकालने का भी तरीका होता था, ये छड़क छड़क के निकलता था, क्योंकि ऐसे उल्टी कर दो तो बोतल निकलता नहीं था, हिलाना पड़ता था, टनाटन लगाते थे ओल्ड स्पाइस, इत्र नहीं लगाते थे, इत्र पढ़ने पढ़ाने वाले लोग नहीं लगाते। ऊद लगा लो या फिर असली इत्र हो, और ये वो असली इत्र है नहीं, तो ये निकाल लो। एक तो ये हो गया, अगली अगली प्रॉब्लम। दूसरा टाइम कितना लग रहा है आपको पढ़ने में? या लतीफो जी पहले जब स्टार्ट किया तो 1.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटे में कंप्लीट होते हैं। 12,500 यस स्पीड 1 घंटा 1.25 घंटा तो एटलीस्ट लगना चाहिए, 1 घंटा 20 मिनट मुझे 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 घंटे से ऊपर लगता है। पहले पहले लगते थे 1 घंटे। हाँ तो वो जो मसला कभी कभी ये होता है बाजी के, पहले इंसान बड़ा वो देखभाल के तरीके से करता है और बाद में फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, तो वो ये तो नहीं है कि दाने पे दाना चढ़ रहा हो। हाँ स्पीड तो बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता, बस स्टिल 1 घंटा नहीं लगता, 1.25 घंटा 1 घंटा 20 मिनट नहीं। मेरा पढ़ने का तरीका स्पीड है, मतलब मैं कोशिश करूँ तो भी स्लो नहीं पढ़ सकती हूँ, मैंने धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो स्पीड हो जाते हैं।
ये देख लें मतलब कि दाने ये देख लें, ये देख लें कि है। दाने पे दाना ना चढ़ रहा हो, दैट्स इट। वो मैं ख्याल करती हूँ, वो नहीं होते हैं। बहुत बारीकी से बढ़ती हूँ ख्याल करके। ठीक है, ठीक ठीक है, गुड। और वजीफे में कोई गुनो दिया कुछ कुछ भी नहीं होते हैं। मैं नॉर्मल जैसे पहले पढ़ती थी वैसे ही मतलब लगते हैं। रिस्क में तंगी बिल्कुल खुली नहीं है या किसी खास फेरे के बाद, कुछ खास दिनों के बाद तंगी हुई है? पहले जब स्टार्ट किया तो पहले की तरह पहले वैसे ही था, फिर अभी 2-3 महीना मतलब रमजान से पहले से रिस्क तंगी है। मैं तो फरवरी में स्टार्ट किया 23 तारीख को, तो रमजान खुला था से पहले जब स्टार्ट किया था उस पर खुला था रिस्क। जब शैतान बंद हुआ हाँ, तो रिस्क भी बंद हाँ, हो गया। हाँ, ये एक के साथ नहीं सबके साथ हुआ है शहजाद भाई, है ना? जब शैतान बंद हुआ तो रिस्क भी बंद हो गया यार, हद हो गई है यार। जब स्टार्ट किया तब खुला हुआ था रिस्क। इसका मतलब रमजान में कोई घपला किया है? नहीं, रमजान में तो ज्यादातर इबादत ही किए हैं। हाँ, क्या इबादत, क्या की इबादत है? की है? ये है क्वेश्चन। 5 वक्त नमाज पढ़ा है वो और तो वैसे ही है, वो तो उसका हुक्म है। इबादत तो इबादत तो क्या करनी है उसके हुक्म की, हुक्म तो हुक्म है, वो तो पढ़नी पढ़नी है। और क्या किया है? नहीं, और कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ वजीफा किया है और नमाज पढ़ी है। अच्छा, वैसे दो मिनट एक बात मुझे बताएं कि नमाज वैसे नहीं पढ़ते फिर? जी, नमाज आम तौर से नहीं पढ़ते? नहीं, मैं तो अभी से जब से सूफी गार्डन से स्टार्ट किया है तब से 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। और आपने बोला ना जे कजर भी, अगर कजर हो जाए तो अद्दा कर लेने, तो मैं तो रमजान में, रमजान में जो आप बता रही हो इबादत की है, वो इबादत क्या की है? वो मतलब टाइम टू टाइम नमाज अदा किया है, कुछ कजा नहीं हुआ है, ये मैंने बोला है। उससे फर्क नहीं बनता। ज्यादा कुछ इबादत मैंने नहीं किया है इससे ज्यादा, मतलब मैं तो जानती हूँ ना रूल्स। ठीक है, और दूसरी बात ये कि इफ्तारी सबके साथ करते थे जब रोजा खुलता है अजान के साथ? हाँ, और सहरी भी वैसे ही? हाँ, सबके साथ। ठीक है, सहरी इफ्तारी की दुआ के वक्त कुछ और उसके अलावा, दुआ के अलावा बाद में या पहले कुछ? नहीं, जब दुआ करती थी तब 90 times बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फिर दुआ करती थी। ठीक है, गुड। नॉर्मली कोई और चीज पढ़ी हो या कहीं कोई सुनने देखने में कुछ और किया हो, कोई लेक्चर वगैरह देखने लग गए हो इस्लामी कि मुसलमान बन जाऊं? नहीं, मैं अब आते हो तो मैं वो नहीं देखती हूँ। न्यूज़ फीड में अगर गलती से भी कुछ आ नहीं, मैं ये गलती तो से नहीं होता, मैं रमजान में पूछ रहा हूँ कि कोई और चीज देखी सुनी हो। नहीं, इस्लामी बयान कोई दर्स वगैरह? नहीं। किसी की फाइनेंशियल हेल्प की है रमजान में, नॉर्मल से कोई अलग, मतलब अचानक कोई? हाँ, अचानक एक रिक्शा वाले उसकी मतलब पैसा खो गया था, दिन की कमाई जो है, तो मैंने उनको, मेरे पास तब उतने नहीं थे, मैंने कितना 250 rupees मैंने को दिए थे मेरी बहन से लेकर, मैंने उधार फिर उसको मैंने मेरी बहन को फिर दे दिया है, मतलब मेरी तरफ से मैंने 150 rupees दिए थे रमजान में। ये रमजान की, अब ये पता रमजान के ये सवाल तो आपने बहुत ही जानदार पूछा। अब ये जो अगला क्वेश्चन इसके साथ बनता है कि अगर ये सोच के बताएं कि ये जो है आपका रिस्क जो है ये इस दिन के बाद से तंग हुआ है, हाँ या नहीं? रिस्क बाजी इस दिन के बाद से तंग हुआ है, हाँ या नहीं? नहीं, पहले से तंग है?
पहले से तंग है, यस। अगर पहले से तंग था तो देने की क्या जरूरत थी उधार लेके? ऐसा कौन सा कोई आप कोई वो बने हुए सत्ता रही थी ना? नहीं, मुझे बहुत तरस आ रही थी, मतलब उनकी बहुत रो रहे थे दिन की कमाई, और रमजान में तो सब दान करते हैं ना। उसके लिए तरीका, उसके लिए दान करने का तरीका ये है कि उसको दुकान पे ले आके अनाज, आटा, समोसे, पकोड़े, चिकन टिक्का, जो दिल चाहे, मुर्गी गोश्त, वो दिला दो, पैसे ना दो। अच्छा। सही कह रहा हूँ या गलत रजा भाई? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो ज्यादा बेहतर। हाँ, तरीका ये होना चाहिए, तरीका ये होना चाहिए। उसमें ये होता है कि फिर आपने उसको जो रिज़्क का, उसको रिज़्क का प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। तो क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया। मेन वही रिस्क की प्रॉब्लम होती है, तो वो अनाज दे के सॉल्व कर दो, सॉल्व कर दो, अनाज दे दो, चिकन टिक्के दे दो, समोसे दे दो, पकौड़े दे दो, बच्चों को खिलौने दिला दो, जो करना करो, पैसे ना दो। अच्छा, अगर पहले से छोटी सी आशा, अगर ये आप कह रही हो कि आपको ऐसा फील हो रहा था, तो पहले भी आप इसी तरह हेल्प कर देती हो पैसों की नॉर्मली, अगर कोई कहता है तो नॉर्मली आम दिनों में? हाँ, मुझे भी हेल्प चाहिए, मुझे मोजे लेने करके बैठा रहे, ठीक है, मुझे मोजे लेने, मुझे हेल्प चाहिए, कोई कोई जो है मुझे मोजे दिला दो। केक उकड़ा बीच में बोला ना, तो यही जो है ना जिबा कर दूंगा, केक उकड़ा बोलेगी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना। शहजाद भाई को जो है ना बर्तन लेने हैं फौरन, वो तो एहतशाम भाई है ना, उसके लिए तो एहतशाम भाई है, वो एहतशाम भाई है, कहाँ नजर नहीं आ रहे, कल परसों नजर आए थे, ठीक है ना, मैंने उनको पैगाम दे दिया था कि टीवी दिया है किसी ने। अच्छा, ये ना दूसरी दफा भी हुआ है कि एक रिक्शा वाले बहुत रो रहे थे कि उनको भी पैसा खो गया है, तो मेरे पास ये मसला, ये इनको टारगेट किया है रिक्शा वालों ने, कि पता है कि ये है सूढ़ी कद्दू टाइप और ये देगी, तो सब रिक्शा वालों ने वर्ड फैला रखा है कि जब ये औरत नजर आए इस होलिये की, तो बोलोगे पैसे गुम हो गए। इसका मतलब ये प्रोक्योर्ड प्रोसीजर है कराची का, जैसे कि कराची के अंदर मैसेजेस घूमते हैं कि बैलेंस डलवा दो, मैं अस्पताल में हूँ, है ना, और ये कर दो। देने वाली सरकार का भी पार्ट टाइम देने वाली सरकार तो सुबह 3,000 आदमी को करके सोता है, और फिर वो दिन भर वो बैलेंस भेजता रहता है, जब इकट्ठा हो जाता है, क्यों देने वाली सरकार? चुप क्या? और ना रमजान में एक मतलब, हाँ ये एक मिनट, अब इस बात को जरा सा क्लोज कर लें, और दूसरे ये कि वजीफे में कोई नागा तो नहीं हुआ था रमजान में, हाँ या नहीं? नहीं। ठीक है, वजीफा जारी रखें, अभी तक कोई नागा नहीं। ठीक है, वजीफा जारी रखें, नेक्स्ट वीक इनको दोबारा लेकर आ जाना, ठीक है, देने वाली सरकार। अच्छा, दो ख्वाब है, मुझे ख्वाब भी ज्यादातर नहीं आते हैं, वो जो जो जो, 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 जो बहुत कम आए हैं वो शहजाद भाई आप ख्वाब देखो इनका, मुझे लगी है भूख में, कुछ बिस्किट ले आऊं। ये मेरे या लतीफों के सात फेरे में मैंने शाह साहब को देखा है दो बार। पहले बार जिस सुबह में देखा, पहले रात में मैंने बहुत सोच रखा था कि मैं शाह साहब से बात करूंगी ऑफ एयर, मेरी जो मतलब मसले चल रहे हैं उसके बारे में, तो बहुत बहुत डिप्रेशन में थी कि बात करूंगी। तो सुबह ही मैंने देखा कि शाह साहब मुझे कॉल किया है, मतलब हेलो इस तरह किया है कि मैं, मुझे लग रहा है कि मैं सच्ची में उनसे बात कर रही हूँ। तो फिर जाके मैंने बोला कि शाह साहब मैं तो ये बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर के, और मेरे चाचा फूफी वो लोग हम लोग के ऊपर बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ ख्वाब खत्म हो जाते हैं। फिर मैंने उठ के, जब उठती हूँ ना मुझे बहुत झटका लगता है, मतलब सच्ची में शाह साहब से बात जैसे अभी हो रहे हैं ना, मुझे तब भी ऐसी फील हुआ कि मैं शाह साहब से बात कर रही हूँ। फिर जाके मैंने दोबारा सो गई थी, फिर मैंने ख्वाब देखा कि शाह साहब मेरे घर में आए हैं और ना आके फिर आप लोगों से ना बात कर रहे हैं, मतलब आप लोग भी जो शाह साहब की टीम में जो लोग रहते हैं ना बात करते हैं, तो वैसे ही ना शाह साहब वो लोग से बात कर रहे हैं। फिर ना मैं अचानक शाह साहब ना कहीं घूमने जा रहे हैं, तो ना मुझे बहुत मैं चाह रही थी कि मैं भी उनके साथ जाऊं, तो ना मैं पूछना चाह रही थी, मतलब बहुत डर लग रहा है कि मैं अगर पूछती तो मना कर देगा, मतलब मुझे नहीं ले जाएंगे, तो बस वहाँ ये खत्म हो गया।
ठीक है। अच्छा, दोनों ख्वाब में जब बात कर रहे थे, कोई बात याद नहीं है जो शाह साहब ने कही हो, कोई इंस्ट्रक्शन दी हो? ये ना मुझे उतना याद नहीं है। ठीक है, फिर नॉर्मल है फोन। और हाँ, और मैंने ना ये ना लिख रखा है 2 मिनट। एक तारीख मतलब अभी तो नौवा फेरा नहीं कंप्लीट हुआ है, मैंने 1 जून को देखा है। मतलब ये जो चल रही है अभी, तो मुझे ये गाइडेंस मिला है कि सुबह मैंने देखा कि घर में नए नए बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर आए हैं, तो ना मैं बहुत खुश हो गई हूँ। फिर वहाँ खौफ तो टूट जाते हैं। फिर उसी दिन मैंने मेरे कंप्यूटर के पीसी अपडेट किया है, नए नए कुछ ऐड किया है उसके, तो ये मुझे लगता है ये तो गाइडेंस हुआ। नहीं, वो फर्नीचर डिफरेंट है। ये ख्वाब नॉर्मल है, लेकिन मेन रिस्क खुलना चाहिए, जी ठीक है ना? अभी वजीफा जो है, 10 10 दिन का फेरा है ना आपका? हाँ, या लतीफ़ के 10 फेरे हैं और बिस्मिल्लाह के 12 फेरे हैं। उन बिस्मिल्लाह के हुए हैं अभी 7 फेरा, और यासिन वर्दी मुविन पहले शाह साहब 2 दफा दिए थे, फिर जाके चेंज चेंज करके 1 दफा पढ़ती हूँ। अभी वो यासिन वर्दी मुविन के हुए हैं 84 डेज। ठीक है, अच्छा। आपने पहला एक काम तो ये करना है कि जी लफंट्रो, ये क्या कहते हैं, असिस्टेंट, असिस्टेंट कहाँ है? ठीक है। अच्छा, पहला काम तो आपने ये करना है कि हाथ बिल्कुल रोक लें। रिक्शे वाला, कोई भी, कोई रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, टांगे वाला, जो भी कहता है कि कमाई मिस हो गई, गुम हो गई, जो भी है मेरी भी वो कमाई मिस हो गई है यार। आज आप, चैट में जितने लोग हैं वो छोटी सी आशा को मैसेज करना शुरू कर दें कि कमाई मिस हो गई है। ठीक है जी, ना, तो वो जो कुछ भी कहते रहे, एक तो वो आपका मसला नहीं है, उससे बिल्कुल हाथ रोक लें। क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको शाह साहब ने कहा नेक्स्ट वीक आप दोबारा होगी, तो ये वीक देखते हैं हाथ बिल्कुल रोक के कि क्या होता जी है वजीफा। बाकी जो है वो एज इट इज वो शासा बताएंगे कि कंटिन्यू रखना है, क्या करना है। ठीक है भाजी, अभी कंटिन्यू रहेगा एज इट इज, अभी ठीक कंटिन्यू है, रहेगा। जी 10 दिन का फेरा था, तो ओके। कितने टोटल कितने हो गए डेज? 8 फेरे, नौवा फेरा 8 फेरे फेरा हो है गए अभी, हैं, आठ फेरे, यानी कि नौवा चल आठ रही आठ है फेरे अभी। हो गए, 80 डेज प्लस हो गए। ठीक है, इसको कर रहे हैं, इसको समझ लेंगे 150 डेज के लिए कर रहा हूँ, ये कंटिन्यू यही रखूँगा। या लतीफ़ो मुबीन 2 दफ़ा पढ़ रहे हैं, वो पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1000 जो है 12 दिन की थी, वो 12 को इनको 200 डेज कर दिया है, और मुबीन जो है 7 दफ़ा 70 दिन, वो भी 140 डेज कर दिया है, कि कोई चल रहा है वो ना हो। और या लतीफ़ो जो है वो 10 डेज का था, तो इसको 100 डेज कर दिया है, ठीक है ना। अभी पढ़ती रहेंगी, 150 दिन कर लो इसको, 150 दिन, ठीक है ना। ठीक है, ठीक और फिर नेक्स्ट वीक इनको दोबारा ले आना, है, और ख्वाब में जो भी नज़र आए वो आपने लिख के रख लेना, ठीक है अच्छी छोटी सी आशा। ठीक है चंदा, जी जी ठीक ठीक है। है शाह साहब, एक एक बात बोलूं? जी, बोलें जी, भाजी। जल्दी बोलना है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट शाह कॉलर है। साहब जी, जस्ट जी 2 मिनट, मुझे आपसे ऑफ एयर हाँ, बात उसके करनी लिए थी। ठीक है, ड्रामा वो क्वीन उसके लिए या आप अपने फर्नीचर असिस्टेंट को, सही अपने बात। ग्रुप के असिस्टेंट को बता दें, तो वो कनेक्ट करवा देगा, ठीक है ना, ग्रुप के असिस्टेंट को मैंने बता दें। बात की थी, एक 1 मंथ हो गई है अभी नहीं, वो से, वन कोई मंथ हो नहीं गई होगी, मैं मान कनेक्टेड रहा हूँ इस थे। चीज़ को, 1 मंथ हो गई होगी। और असिस्टेंट प्लीज़ थोड़ा सा जो है ना, ये 1 मंथ हो गया है, खुदा का खौफ करो, ठीक है ना। तो वो बात जैसे होता है, प्रायोरिटी पे भी है कि जो बीमार हैं पहले आते हैं, लेकिन रिपीटेडली वही कॉलर आ रहे हैं असिस्टेंट के जी पास से भी, तो कोशिश करें कि गिव एवरी वन अ चांस, ठीक है ना। लिस्ट बना लो, एक लिस्ट से मतलब जिससे बात हो गई है, इस जी डेट को आपकी बात हो चुकी मसला है। चले ठीक है, वो असिस्टेंट करा देंगे जब भी होगा, ठीक है ना। ओके भाई जी, ओके, खुदा हाफिज़। जी शाह साहब, मसला ज्यादा होते हैं तब भी हाँ, मैं नॉक वो मुझे करती हूँ पता है, आपको कॉल के मैंने मैंने लिए। यही बताया है उनको कि वो जी बात करवा देंगे, ठीक है ना। ठीक है, जी एक लास्ट, मेरे ना मैं
जैन शक्ति के लिए मतलब मुझे याद नहीं रखते हैं, याद नहीं रख रहते हैं जब मैं पढ़ाई करती हूँ, तो इसके लिए कुछ। वो यही यही करना है और कुछ भी नहीं करना। पहले इसको तो सीधा कर लो सही से, फिर बाकी चीज़ हम बाद में देखेंगे। और उसके लिए तवज्जो की जी पोस्ट है मनी अच्छा द मैं लड्डू द मैं, वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना? ओके भाई जी, ओके जी, खुदा ठीक ठीक है, है। ओके, ओके अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सलाम अल्लाह हाफिज। सलाम। ठीक है आजम भाई, लास्ट आजम कॉलर भाई हो गया ना, क्योंकि बास 1.5 घंटा हो सरकार। गया। जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि सलाम आजम वबरकातुहु। भाई। वालेकुम सलाम। जी शाह जी, मेरे 110 दिन हो गए हैं, या लतीफ़ के 11 फेरे और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के 5 फेरे 5 दिन। ठीक है, बिस्मिल्लाह आप कितनी पढ़ रहे हो? 6,000। 6K। ठीक है ठीक है, 110 दिन पूरे हो गए हैं, तो आखिरी दिन की ख्वाब देखा है? नहीं मैं 5वें यानी 10 दिन का वजीफा होता है, तो 5वें दिन या तो वजीफे में कुछ नजर आता है या ख्वाब आता है। आपको अक्सर 5वें दिन ही नजर आ रहा है? हाँ ठीक है, लास्ट टाइम क्या देखा है ये इस 5वें में? इस 5वें में मैंने देखा कि मेरे घर में फुल पानी पानी आ गया है कहीं से, तो मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ रहा हूँ। फिर अगेन फिर ख्वाब देखा मैं कि एक मेरा जानने वाला लड़का है, उसका नाम यासीन है, वो खाना बांट रहा है लोगों में, तो मैंने भी उससे खाना मांगा है, बस इतना। ठीक है, यासीन विरद मुबीन पढ़ते थे पहले आप? हाँ पहले पढ़ता था सर। एक दफ़ा इसको बीच में कर दें, बिस्मिल्लाह और या लतीफ़ों के बीच में, दिन में किसी भी टाइम, जी ठीक है। ठीक है ना? कितने दिन तक पढ़ूँ? ये 70 डेज प्लस 70 डेज, 140 डेज। ठीक है। यासीन और विरद दुनिया आप मुबीन, यासीन विरद मुबीन इसम हो आया तो उसमें स्पार्क पैदा करता है, क्योंकि कुरान का दिल है ये, यासीन से निकली हुई चीज़ है ना ये, तो ये कुरान का दिल है, और दिल हमेशा पंप करता है हर चीज़ को, आपकी उंगलियों को, हाथों को, आँखों को, निगाह को, हवास खमसा को, बालों को, सर को, जिस्म को पंप करता है, ब्लड पंप करता है, तो ये पंप करता है, वजीफे में स्पार्क पैदा करेगा ये, ठीक है ना? इस वजह से शाह जी, या लतीफ़ में मैंने लाम लिखा देखा है, क्या देखा है? लाम 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 ब्लैक देखा है, कलर से। हाँ लाम बराबर, हर्फ लाम। हर्फ लाम लिखा देखा है, और जब तक वो मुझे नजर आ रहा था तो मेरे सीने में कुछ सुई चुभे वैसा बहुत तकलीफ हो रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद में वो नाम लिखा हुआ भी चला गया और दर्द भी कम हो गया। उसके अगले दिन फिर मैं वजीफा पढ़ रहा था, तो फिर से मुझे लाम लिखा नजर आया और आवाज आई कि क्या लाम लाम कर रहा है, जरा मीम की तरफ भी नजर डाल। ये असल में अगर ये तो आपके सीने में चुभन हो रही थी, अगर अलिफ देख लेते ना और अलिफ वो बयान कर देते तो फिर तुम अभी जो है ना बिरयानी पकवा रहे होते, ठीक है ना? ठीक है ना, ये एक एग्जांपल में बात करूँ, बिरयानी नहीं, लेकिन वो जो है क्या कहते हैं अलिफ लाम मीम जो है ना, लाम का बड़ा एक अजीब राज है, लाम जो है ना बहुत बड़ा राज है, अब ये बता नहीं सकता क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो राज, जितना राज रहे उतना बेहतर है, लाम जो है ना एक राज है। मैं एक इशारतन दे दूं कि लतीफ़ों में जो अगर हरूफ के जो वज़ाइफ है ना, हरूफ के जो वज़ाइफ है उसके अंदर अगर कोई हरूफ बहुत इफ़ेक्टिव और काम करता है वो लाम है, सही। ठीक है ना? और ये लतीफ़ों भी समझ लें कि जो ये इसका अगर इसको वो करें, डिवाइड करें हरूफ के अंदर, तो ये हरूफ के अंदर जो है ये लाम जो है ना, ये सही मानों में जो लोग इतना सब जो दुकान चल रही है सब लोगों की, यानी कि एक रिज्क आ रहा है, ये लाम की वजह से है, ये लाम एक राज है। सही। क्योंकि लाम के अंदर खुद अगर आप लिख लो तो लाम अलिफ मीम आता है, और कुरान के अंदर वैसे भी अलिफ लाम मीम है, जी
समझ में आ गया शहजाद भाई? नहीं आया समझ में, समझ में नहीं आएगा। इनको क्यों, क्या इनको क्यों वो क्या कहते हैं मीम का कह रहे हैं कि वो लाम की तरफ? चक्कर ये है कि ये जब पढ़ रहे होंगे, अब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है या लतीफ़ पूरा जो है ना ये वो नहीं कर रहा है क्या अदायगी ऐसे हो रहा होगा, लतीफ़ लतीफ़ वो नहीं हो रहा होगा। अब आजम भाई ही बताएंगे कि ये बात नहीं, मैं बड़े आराम से पढ़ता हूँ शाह जी, 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट लगता है। इनकी ये वजीफे स्लो पढ़ते हैं लेकिन लेकिन तलफ़ुज़ में कहीं फ़र्क होगा, और फिर ये कि क्या कहते हैं उसे इतर उतर भी लगा के पढ़ते होंगे, तो भाई इतर बंद कर दो। नहीं पहले इतर नहीं, पहले मैं गुलाब अरखे गुलाब छीने के गुलाब वो आपने मना किया वो भी बंद। ठीक है, कोई अच्छा सा ऊद वूद ले लो या कोई परफ्यूम वो लगा लो जो उड़ जाता है। ऊद है मेरे पास दुबई से आया है। हाँ वो लगा लो, ये इत्र बंद कर दो, इत्र सारा कल्चर्ड है चाइना का, वो वाला इत्र नहीं है कि जो पुराने जमानों में निकलता था। पता नहीं उस दुकान का नाम क्या है जामा क्लाथ पे यार, इतनी बड़ी इत्र की दुकान थी, मेरे को नाम याद नहीं है उसका। हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह ही है मेरे ख्याल से, बहुत बड़ी इत्र की दुकान थी, असली इत्र मिलता था। हाँ इंशाल्लाह माशाल्लाह ही है वो मेरे ख्याल से, वो बनाते थे इत्र और वो इत्र है लगाने वाला। लेकिन वो भी जो है क्या कहते हैं, मैंने तो खैर इत्र कभी, मैं तो परफ्यूम से एलर्जिक हूँ, तो इत्र और भी सारे आउट ऑफ रेंज ही हो गए। क्या रेंज से बाहर है, अवेलेबल अभी भी है लेकिन रेंज से बाहर है। कौन से 16 तकरीबन ऊद वगैरह, ऊद वगैरह रेंज से बाहर है, मगर इत्र का ये है कि इत्र निकला हुआ हो, बना हुआ ना हो। चाइना से जो आते हैं इत्र आजकल ये सब लगा के फिर रहे हैं, तो ये उस दिन भी कौन यहाँ आया था, अजीज भाई को भी मैंने परफ्यूम दिया, पता नहीं अभी जब एयरपोर्ट से वापस आया हूँ मैंने परफ्यूम दिया, मैंने कहा भाई ये परफ्यूम लगाओ इत्र बंद कर दो। इत्र जो है ना मैंने देखा है रोकता है मलाइका को, रुकावट पैदा करता है, पता नहीं क्यों किया, तो आर्टिफिशियल है वो, असली इत्र नहीं है। ऊद नहीं करता, परफ्यूम भी तो आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, लेकिन इनका नहीं, वो परफ्यूम उड़ जाता है, सही परफ्यूम बसता नहीं है। अभी आप बॉस की यहाँ बोतल गिरा दो, एक दिन खुशबू आएगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना, आप इत्र गिरा दो वो रहेगी। 28 में जब कोई इत्र लगा के आ जाता है सही बात, दो दिन तक खुशबू रहती है कमरे में, ये मसला है। ऊद भी उड़ जाता है लेकिन इत्र परसिस्टेंट, क्योंकि ये कल्चर्ड होता है ना, दो नंबर इत्र वो वाला इत्र नहीं है जो शहजाद भाई गिराएंगे तो एक साल नहीं जाएगी। हाँ उस तरह की चीज, ठीक है डन हो गया, डन ठीक है। अच्छा कंटिन्यू रखेंगे बाकी, कंटिन्यू तो बाद में, हालात वगैरह तो पूछ लो जी। मोटरसाइकिल पे फिर रहे हैं, जा नहीं करते हुए वो क्लिनिक बंद करके, मैं आप लोग मतलब 10 बजे 10:30 बजे का टाइम था ना, तो आज आप लोग एकदम टाइम से पहले ऑनलाइन आ गए, तो वो चक्कर में फटाफट बंद करके मैं पहुंचा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो उसके लिए क्लिनिक में भी बैठे हुए कर लेते हैं, पर क्या है कोई ऐसा वो नहीं है कोई कि लाजमी है तो घर पे बैठे क्लिनिक पे भी, वैसे तो मोटरसाइकिल पे भी कर लेते हैं, लेकिन अब अच्छा नहीं लगता कि लाइव आपको गिरते पड़ते हुए दिखा मोटरसाइकिल पे। क्यों शहजाद भाई है ना, शादी एक बात पूछनी थी मुझे, बार बार वजीफे में जो है मस्जिद के मीनार नजर आ रहे हैं, और एक बार वजीफे में आवाज आई कि चलो भाई ये मेरे घर के सामने मस्जिद है उसका नाम उमर है, तो मस्जिद उमर उमर के पास जाना है, ऐसे आवाज आई। नमाज वगैरह पढ़ते हो? हाँ मैं घर ही पे पढ़ता हूँ नमाज। ठीक है, और जुम्मा? जुम्मा भी घर पे ही पढ़ता हूँ, कभी कभी मस्जिद में जाता हूँ। देखो घर के सामने मस्जिद है तो जुम्मा इज्तमाही चीज है, चले जाओ। ठीक है, नहीं मैं थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करता हूँ कि वहां पर कहीं दुरूद वगैरह पढ़ना ना पड़ जाए। नहीं वो जाए से मतलब, देखो मसला ये है इंडिया पाकिस्तान का, यही तो मसला है कि वो एक चीज देंगे जिक्र भी कराएंगे, वो जुम्मे के बाद ये भी हो रहा है, सबने दुकानें लगा रखी हैं, आप जाओ जुम्मा पढ़ो, ठीक है ना, खुतबा सुनो जुम्मा पढ़ो और आ जाओ बस खत्म। लाजमी नहीं है कि रुके रहो वहाँ पे, सब लोग नमाज पढ़ के हट जाते हैं तो क्या हो गया। शाह जी एक और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का फजर का वजीफा पढ़ते वक्त दो दफा ऐसा हुआ कि मैं कब्रिस्तान में जा रहा हूँ,
उसके कब्रस्तान के बाद में मस्जिद है, तो मैं मस्जिद में बैठ के वजीफा पढ़ रहा हूँ। पढ़ मत लेना, पढ़ मत लेना, ठीक है ना। मस्जिद में वो चीज़ ये है कि बुलावा है भाई मस्जिद की तरफ, के मस्जिद में जाके जुम्मा तो पढ़ लो, चलो बाकी नमाजें नहीं पढ़ रहे तो अलग चीज़ है, लेकिन जुम्मा पढ़े, ठीक है ना। क्योंकि कब्रस्तान देखने का मतलब वजीफा मर रहा है। जो शरीयत के अहकाम है वो पूरी करें, बेसिक वाले शरई अहकाम पूरे करें। अगर जुम्मे की घर के दो कदम पे मस्जिद है आपके, आप कह रहे हो सामने है, तो यू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड गो इन द मॉस्क, सीधा सीधा वजू करके जाएं और जाके पढ़ें और वापस आ जाएं, दैट्स इट, ज़्यादा चक्करों में ना पड़े, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है आज़म भाई, फिर मिलते हैं आप। और बाकी क्लिनिक का वो क्या कहते हैं, चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, काम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, गुड। रमजान के बाद यही यही चाहिए मुझे। आप मुझे आपको मैं एक बात बताऊं, अल्लाह ताला सलामत रखे आपको, मैं चाहता हूं कि अगली दफा देखूं तो गाड़ी के अंदर हो, मोटरसाइकिल पे ना हो, इतना काम चल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। अगर इससे ये ना निकल सके फिर तो बेकार है, क्यों शहजाद? बिल्कुल ये चीज है, ठीक है आजम भाई। तो शाहजी यही कंटिन्यू रखना है मुझे, अभी मैंने फारसी में क्या कहा है शहजाद भाई, यही यही इसी तरह कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, ठीक है, ओके फिर, ओके खुदा हाफिज़। ठीक है शाहजी, आप कुछ कह रहे थे आजम भाई टिकट दे रहे हैं तो 100% इंशाल्लाह जरूर, ठीक है फिर भिजवा दें टिकट, गौर भाई से रब्ता कर लें तो मैं वीजा लगवा के आ जाए। आप हो कहाँ इंडिया में? भोपाल में हो? हैदराबाद। बस ठीक है, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं है। नहीं आप सही कह दीजिए, मैं टिकट अरेंज करवा, आप गौर भाई से बात कर लो, टिकट दे दो तो हम आ जाते हैं। वीजा लगवाना है ना यहाँ से? अब पता नहीं वीजा लगता है या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता, ठीक है ना। अब वो तो वीजा लगेगा नहीं लगेगा पता नहीं, लेकिन टिकट का तो हो जाएगा, टिकट का हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगा। क्यों शहजाद भाई, चला जाऊं? यस, इंडिया ठीक है। इंडिया ठीक है, इंडिया ठीक है, इंडिया ठीक है, इंडिया ठीक है, गुड है। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर इंडिया आया इन केस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, पहली चीज़ तो पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, अभी तो कहीं और भी जाना है, उससे पहले मुझे ये बताएं कि उतरूंगा कहाँ, दिल्ली, फिर दिल्ली से हैदराबाद कैसे जाऊंगा? दिल्ली से हैदराबाद तो बहुत लॉन्ग पड़ जाएगा, आप मतलब कितना 1600 किलोमीटर है। अब भाई फिर तो भाई तू टिकट जो है ना वो उसे टिकट की एक काम कर, शर्टे लेके भेज दे मुझे, ठीक है। लेकिन आपके उधर हैदराबाद, हैदराबाद साइड पे भी एयरपोर्ट है। हाँ तो मैं हैदराबाद का है एयरपोर्ट, हाँ हैदराबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ उतर सकते हैं आप दुबई से डायरेक्ट, ठीक है। एमिरेट्स आती है या एयर इंडिया आती है? आती आती है, एमिरेट्स भी आती है, ठीक है, गुड है, फिर तो सही है, ठीक है ठीक है ठीक है। बात करूं शाहजी फिर मैं इनसे, गौर भाई से, गौर भाई से बात कर लो, अपनी ऑफर, अपनी ऑफर पेश कर दो तो फिर वो बताएंगे आगे, क्योंकि क्योंकि वो जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो तरह से कर गुजरने की सलाहियत उनमें है, और उनमें कर गुजरने की सलाहियत के अलावा उनमें जो दूसरी सलाहियत है वो मुझे करवा देंगे कुछ, यानी कि वो चीज़ें पुश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि एट टाइम्स आई गेट लेजी। ठीक है, ठीक है, गुड है, ठीक है ना। आप गौर भाई से बात कर लो, ठीक है ना, ठीक है सर, ओके ओके आजम भाई, ओके, लव यू, लव यू, ओके, खुदा हाफिज, ओके आजम भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा ये है रोल नंबर 13 है आजम भाई, तो बस लास्ट हो गया ना ये, इसके बाद तो कोई भी नहीं है, इसके बाद अब नेक्स्ट जब आएंगे नेक्स्ट सूफी स्किल में वो 14 से लेके 23 तक 10 लोग इसी तरह रेडी रहेंगे, ठीक है ना। ये छोटी सी आशा का एक सवाल है और इनवाइट चाइना का है, इनवाइट चाइना भाई सवाल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सवाल आप पूछ नहीं, लो नहीं, सवाल, सवाल 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 पूछ के जवाब ले लो ना, ये प्रोग्राम अब खत्म हो रहा है। जस्ट ये बोलना है कि आपने इससे पहले मुझे वर्ड मूवी एक दफा बोले हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि दो दफा, अभी मैं कौन दो दफा करना है वर्द मुबीन को, दो दफा कर दो, ठीक है, ठीक है ना, दो दफा कर दो, ठीक है ना, ओके चंदा, ओके खुदा हाफिज, क्योंकि इनके कोड में भी है। स्टोन पहनना चाह रही हैं, इन्होंने स्टोन पहन ले और एक उतार के रखे हैं, क्या इनवाइट चाइना ने स्टोन पहन के रखेंगे, पहले स्टोन के पैसे दिए हैं तो क्या लेके क्या कहते हैं कोई दुकान लगानी है, पहन के रखे शाह साहब, नहीं पैसे नहीं दिए थे आपने, गिफ्ट दिया था स्टोन जो भी है, खैर वो पहन के रखे, वो स्टोन भले पैसों का हो या गिफ्ट हो, बात तो स्टोन है ना,
पहन के रखे, दिन में तो पहने ना, वजीफा करते वक्त उतार के, ठीक है ना, पहन सकते हैं क्या? आपने जब ये सूफी स्किल स्टार्ट हुआ था तो आपने कहा था कि पत्थर उतार दें अपने अपने। अब मैं कह रहा हूँ कि अब पहन सकते हैं क्योंकि वजीफे बैठ गए हैं जिसके बिठाने थे। मैं देखे किसी एक्सटर्नल उससे मैं वजीफे बिठाने नहीं मांगता कि पत्थर बना के बिठवाऊं, ठीक है ना। अभी तो आगे चलेंगे तो फिर मैं आपके आपके वजीफे के हिसाब से, नाम के हिसाब से आपको पत्थर बताऊंगा कि ये पत्थर पहनना है, अभी नहीं लेकिन काफी टाइम बाद, ठीक है ना जी? बिल्कुल ठीक है ना। ओके भाई जी, अभी पहन ले पहन ले पहन ले पहन ले 19 दफा बिस्मिल्लाह पढ़ के। ओके शहजाद भाई, मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। थैंक यू, नाइस डूइंग, खुदा हाफिज़। बाकी ये है कि सब लोग रेडी रहें, अभी 15-20 मिनट्स में मैक्सिमम आधे घंटे में जो है हम वापस आएंगे ट्रायल्स के साथ। ट्रायल वाले जितने हैं वो उसी तरह 10 कॉलर, दो दो तीन तीन एक्स ग्रुप से, वाई ग्रुप से, एक्स वाई ग्रुप से, जो ड्रामा क्वीन एक मिनट जो आ चुके हैं लास्ट वीक वो नहीं, जो अगले हैं वो, अगले हैं वो, हाँ, वरना ड्रामा क्वीन रिश्वत लेके दोबारा उन्हीं को ले आएगी। बाकी ये भी एक मसला, ये भी एक बड़ा दिक्कत है, ध्यान रखना, जरा नजर रखो इसके ऊपर, क्या कहते हैं उसे, देने वाली सरकार जी। तो इसकी आवाज ही नहीं निकली किसी की, इतना डर है ड्रामा क्वीन का, शहजाद भाई भी बल्कि हल्की आवाज में जी आगे अभी देना शुरू कर देगी रात को फोन करके ना, अभी अभी से बेइज्जती करना शुरू कर देगी, क्यों शहजाद भाई है ना। और देने वाली सरकार ने तो ऐसे जैसे सुना ही नहीं ना कमेंट, उसने कहा शेर शेर बोलता रहे मैं नहीं सुनूंगा। तो ठीक है एवरीवन, किसी का मैसेज आया हुआ है वो चेक कर रहा था, नहीं चैट अलाउ नहीं है, हाँ चैट पे नहीं किया था, यहाँ पे तमन्ना वाली बाजी ने किया है। क्या पूछ रही है तमन्ना वाली बाजी, पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वो ये पूछना था कि या मुकनी हो क्या दिन में या रात में कोई टाइम? रात का टाइम है, रात का टाइम है तो बेहतर है, कोशिश कर, कोशिश करें कि ईशा के बाद कर लें, ठीक है ना। ईशा के बाद से मतलब ईशा लाजमी नहीं कि ईशा पढ़ के फौरन कर लें, ईशा के बाद एनी टाइम, क्योंकि हाजत है ना तो अल्लाह ताला जल्दी कर दे काम, ठीक है ना। स्टार वाले बाजी क्या हाल है? ठीक है बाजी, ओके शाह साहब, थैंक यू, ओके तमन्ना, ओके खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो ठीक है, हमारी होगी वापसी 20 मिनट में भाई। वालेकुम सलाम जी बाजी, मुझे भी शाह साहब से एक क्वेश्चन पूछना है, सूफी स्किल से रिलेटेड पूछना जी। वो शाह साहब ने जूस बताया था ना कि 12 बजे से पहले पहले अलाउ होगा पीने का, फ्रूट जूस, जूस क्या, फ्रूट जूस, हाँ जी फ्रूट जूस का आपने 12 बजे तक अलाउ किया था कि 12 बजे से पहले अगर पीना है तो उसको यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो पी रहे हैं तो नहीं नहीं शाह साहब, वो शुगर कैन मुझे ना डॉक्टर ने बताया हुआ, तो वो मैं 12 बजे के बाद बाहर से मिलना होता है, तो वो मुझे 12 बजे तक मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही, या मुझे ज्यादा देर देखे मैं उसको 4 बजे। आप बीमारी में अगर ऐसे दवा ले रहे हैं फिर तो उसके अंदर पूछने की बात ही नहीं है, वो तो मजबूरी बन गई है ना। अब होम्योपैथिक दवा में अल्कोहल है, देने वाली सरकार तो तीन तीन बोतलें पी आता है, ड्रामा क्वीन तो अभी उलट रही होगी छोटी बोतलों से बड़े ग्लास में ना, तो वो दवा है, मजबूरी है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, ओके भाजी, ओके खुदा जी। तो ठीक है एवरीवन, 20 मिनट्स हम आ रहे हैं वापस, याद दिला देना मुझे वो लाइन का बताना है आपको, ठीक है। शाह साहब दम की कोले अभी ले लूंगा थोड़ी देर में, बट ऑन माय दुबई नंबर, ओके ठीक है ना, ओके भाजी, ओके भाई, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है, अल्लाह के कलाम विच बड़ी ताकत है, ठीक है एवरीवन। थ्रोबैक क्या हाल है डार्लिंग, 5 पाउंड उधर क्या दे रहा है, इधर दे दे, हम जो जोकिंग, ठीक है ना, ठीक है, बोलो 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 बोलो, बस ठीक है, अभी रैप अप करते हैं कि फिर वो ट्रायल्स में जो है वापस आते हैं, ड्रामा को रेडी हो जाए कॉलर के साथ, तो 20 मिनट्स में हम आ रहे हैं वापस, और तब तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय बाय। हो गया,
To pre-book a private consultation with mystical spiritualist Raza Ali Shah Al Abidi, contact Gohar Raza on 00447407048009. 00447407048009. To purchase semi-precious stones, contact gemologist Muhammad Shahzad on 00447533119668. 00447533119668. Book a one-to-one Zoom meeting with Shah Saab. For further details, contact Gohar Raza on 00447407048009. 00447407048009. Google us and leave a review on Sufi Garden Spiritual Services UK or Al Wajad Lifestyle Coaching EST, Dubai, UAE. And don't forget to like, share and subscribe to Sufi Garden's channel, YouTube.